हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए हमने जो मिडिबल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम मुगल एम्पायर में औरंगजेब आलमगीर को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम औरंगजेब से रिलेटेड पॉलिटिकल हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझेंगे उसके अलावा औरंगजेब की रिलीजियस एज वेल एज राजपूत पॉलिसी को समझने की आज हम कोशिश करेंगे यानी कि आज के टॉपिक से हमें केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री जो औरंगजेब से रिलेटेड जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के इवेंट्स है केवल वो निकल कर आएंगे उसके अलावा कुछ हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखेंगे और कुछ हमारे पास टर्मनोलॉजी और साइट्स के पॉइंट्स भी निकल कर आएंगे सो so, आप लोग जानते हैं अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह हमारी ये प्री ओरिएंटेड सीरीज है और इसमें हमारा मेन फोकस रहता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस में और उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस कहाँ जाकर किया हमारी स्पेशल क्लासेज में राइट सो दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि अगर आपने अभी तक मेरी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है सो so टेलीग्राम चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए चौहान चौहानंडस्कोर सरंडास कोर हिस्ट्री मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां से आपको सभी लाइव स्पेशल क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे राइट और इन लाइव स्पेशल क्लासेज में अभी तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज खत्म करी है जिसमें हमने दो से लेकर नाइनटीन तक के बीस पच्चीस साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं और अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो मेरी आपको यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप 2010 से 2020 तक के पेपर तो डेफिनेटली कवर कर ही लें उसके अलावा अब हमारी लाइव सेशन में मोस्ट की सीरीज चल रही है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो करना ऑल राइट right. अच्छा उसके अलावा अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए इन सभी सेशन के पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और अगर आप मुझे डीएम करना चाहते हैं अपना डाउट पूछना चाहते हैं कुछ भी तो इंस्टाग्राम पर आपको मैं इसी नाम से मिल जाऊंगा मेक श्योर आप मुझे अपना डीएम इंस्टाग्राम पर दें ठीक है उसके अलावा अगर आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरोली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अन आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरो जो है वो कोर्सेस अन के सब्सक्रिप्शन प्लान के माध्यम से प्लस एंड आइकॉनिक जिसमें आपको डेली की लाइव क्लासेस डेली के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस अनलिमिटेड एक्सेस उन क्लासेस की और लाइव टेस्ट और क्विजेज है वो अवेलेबल हैं और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लोन लेकर आया है फॉर यू जिसमें जीरो रुपीज़ की प्रोसेसिंग फीस जीरो जीरो परसेंट इंटरेस्ट दो घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाएगा कोई हिडन चार्जेस नहीं है बहुत मिनिमल पेपर वर्क और बहुत फ्लेक्सिबल टेन एवर्स हैं राइट इस लिंक पर अगर आप जाएंगे तो फर्दर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर वीडियो के नीचे हर नई वीडियो के नीचे आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिल जाएगा अन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है यह बहुत बड़ी बेनिफिट है आपके लिए और आप उनके साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं उनकी लाइव क्लासेस में प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स क्योंकि पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट गाइडलाइंस स्टडी मटीरियल स्टडी प्लानर ये कुछ एडिशनल फीचर्स रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स में अगर आप दस का डिस्काउंट चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज करें चौहान अंडर स्कोर सर अंडर स्कोर हिस्ट्री जिससे आपको मिलेगा दस परसेंट का डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट राइट और अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो राइज वर्ल्ड अफेयर्स और पाथ नाम की फ्री टेस्ट सीरीज शुरू है अच्छा मॉक की तरह आपके लिए काम करेंगी मेक श्योर यू अवेल वेल्ड टेस्ट सीरीज बाई यूजिंग माई कोड चौहान अंडर स्कोर सर अंडर हिस्ट्री उसके अलावा दो ईयर के बैचेज वन ईयर के बैचेज एनसीआर बैचेस थ्री मंथ बैचेस राइट ये सब बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं मेक श्योर sure आप अकेडमी की लर्निंग एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल करें और चेकआउट करें इन सब कोर्सेज को ठीक है हर संडे अन अकेडमी का कॉम्बैट टेस्ट होता है स्कॉलरशिप का राइट जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है एनरोल करने के लिए कोड यूज करें चौहान कोर हिस्ट्री टॉप फाइव हंड्रेड रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलती है और वन ईयर यूपीएससी सी एस सी का सब्सक्रिप्शन मिलता है टॉप थ्री रैंकर्स को ठीक है सो मेक श्योर यू यू एनरोल इन टू दिस कॉम्बैट अन एकेडमी कॉम्बैट

जिसमें किस तरह औरंगजेब शक्ति में आया राइट right. और उसके बाद शक्ति में आते ही उसने किस तरह राजू, राजपूतों के साथ उसने क्या पॉलिसी अपनाई और एज वेल एज उसकी रिलीजियस पॉलिसी जो है वो क्या रही और जिस वजह से उसकी रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से किस तरह दिल्ली के आसपास जाट सतनामी बुंदेलों सिखों के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में औरंगजेब उलझा रहा आज हम इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है सो so, शुरू करते हैं सबसे पहले लेकिन आप लोग जानते हैं कि प्री ओरिएंटेड हमारी ये सीरीज है और जिसमें हम मेंस के लिए कॉन्सेप्ट बनाते चल रहे हैं ठीक है सो so, आज का टॉपिक पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है तो जी एस के लिए यानी आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए बहुत थोड़ा बहुत ही कॉन्सेप्ट यहां से निकलेगा लेकिन ऑप्शनल के लिए ये सेशंस जो हैं वो बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं क्योंकि ऑप्शनल लेवल पर जब हम जाएंगे तो वहां पर औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी पर बहुत ही ज्यादा डिटेल में सवाल बनते हैं ऑप्शनल के लिए ठीक है सो so, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं हैं राइट नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी बट एनी अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो आज ये टॉपिक्स जो हैं वो पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं ठीक है और प्री के लिए तो आप लोग जानते ही हमें किस तरह के क्वेश्चंस पर ध्यान देना होता है तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ चेंज सिंस पॉलिटिकल हिस्ट्री है तो हमें समझना है कि क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए उसके अलावा हमारे पास प्रोसेस ऑफ चेंज में छः के छः सब डिसिप्लिन राइट right? इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच आप लोग जानते ही हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री इकोनॉमिक हिस्ट्री रिलीजियस हिस्ट्री कल्चरल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री राइट इन छः के छः डिसिप्लिन को हिस्ट्री के डिसिप्लिन को हम आपस में जोड़कर पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं हमारी इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच और इन्हीं छः के छः एस्पेक्ट्स uh, में जो चेंज आया है ओवर द पीरियड राइट जनरेशन टू जनरेशन डायनेस्टी टू डायनेस्टी एज बाय एज राइट वो हमारा प्रोसेस ऑफ चेंज है यही हम समझते जा रहे हैं ठीक है ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा प्रोसेस ऑफ चेंज का ये हमारे लिए मेंस में बहुत फ़ायदेमंद होने जा रहा है अगर आप ऑप्शनल में बैठ रहे हैं ऑप्शनल हिस्ट्री के साथ अगर आप दे रहे हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा आपको ये प्रोसेस ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट और मुझे ऐसा लगता है ये प्रोसेस ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अभी तक आपको प्री के लिए भी फायदा कर ही रहा है ठीक है अच्छा उसके अलावा दूसरा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन कि आलमगीर के बारे में हमारे पास ये जानकारी आई कहाँ से सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो क्या है ठीक है सो सोर्स ऑफ हिस्ट्री आप लोग जानते हैं लिटररी और आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री होती है हमारे पास सो so, एंशियंट में आप लोग जानते हैं जैन बुद्धिस्ट वैदिक लिटरेचर संस्कृत लिटरेचर तमिल लिटरेचर तेलुगु लिटरेचर राइट और उसके अलावा फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास एनशियट की बात कर रहा हूँ मैं इंस्क्रिप्शन से लेकर न्यूसमेटिक्स से लेकर जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स हैं वहाँ तक ठीक है ये सब हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं मेडिवल की बात करें तो लिटररी सोर्सेज में हमारे पास कोर्ट पॉइंट्स आ जाते हैं भक्ति और सूफी सेंट आ जाते हैं उसके अलावा लॉग्स जो ट्रेवलर्स हैं उनके द्वारा क्रिएट किए गए अकाउंट और जो सुल्तानों ने खुद या शाहों ने जो खुद लिखा है राइट right? उसके अलावा सेकंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है हमारे पास जो कॉइन्स प्रिंट किए गए हैं सुल्तानों या शाहों द्वारा या शाहों द्वारा राजाओं द्वारा उसके अलावा उनकी बिल्डिंग्स में जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन अगर कहीं लिखवाए हैं तो राइट right? सो so, ये हमारे पास ये हमारे लिए सर्व करते हैं लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की तरह तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री पर आप लोग जानते हैं सवाल बनता ही बनता है राइट right? उसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं हमारे पास टर्मनोलॉजी के क्वेश्चन तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे अगर आपने फॉलो कर ली है मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ की टर्मनोलॉजी का कितना फॉन्ड है यूपीएससी पी एस सो टर्मनोलॉजी में आप लोग जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टर्मनोलॉजी इकोनॉमी से रिलेटेड टर्मोलॉजी सोसाइटी से रिलेटेड टर्मनोलॉजी कल्चर से रिलेटेड रिलीजन से रिलेटेड सो so, ये जो छह एस्पेक्ट हैं इन्हीं से रिलेटेड टर्मनोलॉजी पर भी हमें ध्यान रहना है अब ये टर्मनोलॉजीज जो हैं वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री से कनेक्ट हो जाता है क्योंकि कई टर्मोनॉजी किस लिटररी सोर्स से निकल रही है तो इस तरह सवालों को कनेक्ट करने की कोशिश भी करता है यूपीएससी सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कहा कर रहे हैं स्पेशल क्लासेस में द पॉइंट इज दिस कि जो लाइव स्पेशल क्लासेस है उनको ज्वाइन करें वहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे सवाल यूपीएससी पूछता है उन्हें हम कैसे टैकल करें जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज खत्म कर चुके हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लेट हो गए आप लोग देखिए उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे आपको लिंक मिल जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चली है राइट उसके अलावा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है सो so, टर्नोलॉलॉजी के क्वेश्चन होते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं प्रोसेस ऑफ चेंज के क्वेश्चन होते हैं उसके अलावा नेक्स्ट आएंगे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन एनशेंट मेडिवल में तो क्रोनोलॉजी का सवाल बनता ही है कि ठीक है अब क्रोनोलॉजी जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से जुड़ी भी हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से भी रिलीजियस हिस्ट्री से भी ठीक है क्योंकि मेडिवल पीरियड में भक्ति सूफी मूवमेंट भी हमारा जुड़ जाता है तो उनकी क्रोनोलॉजी पर जो है वो सवाल डालता ही डालता है यूपीएससी कई सालों में डाला है उन्होंने राइट सो so, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके अलावा साइट्स के क्वेश्चन क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत सारी हुई तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साइट स्पोर्ट सिटीज ये सारे क्वेश्चन एक्सक्यूज मी तो आई होप अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस को तो ये सारे फंडे तो आप जानते हैं तो ये फंडे मैंने उन बच्चों के लिए बताए जो पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो अगर आप कभी पहली बार आए मेरे वीडियो पर राइट सो आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी तक क्या क्या एस्टेब्लिश कर लिया है है ना तो आपके लिए सरप्राइज ना हो कुछ भी तो so, आप लोग जानते हैं पढ़ाने की फिलोसफी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा फैक्ट इकट्ठा कर रहे हैं प्री के लिए है तो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं ठीक है सो so, शुरू करते हैं अब औरंगजेब के साथ सो so, औरंगजेब के आज हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी है यानी कि औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी और उसकी वजह से औरंगजेब के लिए जो समस्याएं खड़ी हुई और उन समस्याओं को औरंगजेब ने क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाला और उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है और एग्जामिनेशन में क्या क्या आ रहा है हम इस लूप में रहकर पढ़ेंगे आज के सेशन को तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट देखिए क्या है औरंगजेब के बारे में सो औरंगजेब 1618 से 1707 तक जो है वो औरंगजेब का जीवन चला काफी भरा पूरा जीवन रहा उसका औरंगजेब से पहले कौन कौन बाबर हुमायूं, अकबर जहांगीर शाहजहां और अब औरंगजेब. ठीक है. ही द्रोन द थ्रोन इन 1659 सीई आफ्टर अ लॉन्ग एंड बिटर स्ट्रगल फादर एंड थ्री ब्रदर्स राइट सो आपको पता ही है शाहुजा मुराद और दारा शिको इन, इन सब को जो इन सबको हरा कर जो है वो फिर और अपने पिताजी अपने पिता जो है वो शाहजहां इन सबको सबड्यू करके औरंगजेब 1659 में फाइनली औरंगजेब ने औरंगजेब को कॉरनेट किया गया और मतलब उसकी ताजपोशी हुई और उसको तख्त पर बिठाया गया राइट बैठा खुद बिठाएगा कौन शक्तिशाली था औरंगजेब ठीक है so, सो ये पॉइंट हम जानते हैं है ना पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ भी लिया है कि किस तरह उसने मुराद शाह सबको हराया नेक्स्ट देखिएगा औरंगजेब रेन वॉज अबाउट फिफ्टी ईयर्स पचास साल का औरंगजेब का शासनकाल रहा पचास साल का शासनकाल जो है वो अकबर का भी रहा सो so, अकबर ने जितने पॉइंट्स बेहतर बनाए थे राइट अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी और औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या थी या अकबर की मतलब इंडियंस के राजा इंडियन राजाओं के लिए क्या पॉलिसी थी कि या तो मैदान में आकर लड़ लो या तो सबमिट कर दो अगर सबमिट कर दोगे तो अच्छी पोस्ट दूंगा अगर मैदान में आकर लड़ोगे और अगर हार गए तो भी तुम्हारा जो है वो पूरा आदर सम्मान करूंगा मैं तो भी तुम्हें कहीं ना कहीं मनसबदार में बना ही दूंगा तो ये अकबर की जो है वो मतलब समझ रहे वो हरा भी जीत रहा था मतलब समझ रहे सामने वाली शक्ति को हरा कर भी वो उनको अपने साथ रख रहा था और अगर वो खुद से सबड्यू कर देते हैं खुद से सरेंडर कर देते हैं तो भी वो उनको अपने साथ ही बिठा रहा था राइट लेकिन औरंगजेब का ऐसा नहीं था अब अकबर के जाने के बाद अकबर के बाद जहांगीर ने वो रेज, वो जहांगीर ने वो रिलीजियस पॉलिसी मानने उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ये इतने जो है वो लिबरल आइडियाज को फॉलो करूं लेकिन जहांगीर को पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन सही चल रहा है इससे तो अकबर द्वारा एस्टेब्लिश किया गया पूरा सिस्टम जहांगीर ने चलाए रखा लेकिन शाहजहां इज ओन आइडियाज शाहजहां ने इस रिलीजियस पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया और दक्कन को कंट्रोल करने के चक्कर में वहां पर उसने थोड़े बहुत जो है वो दुश्मन पाल लिए अहमदनगर और बीजापुर के रूप में क्योंकि गोलकोंडा बीजापुर जो है वो अब किसको सपोर्ट करने लगे मराठों को शाहजहां तो चले गए लेकिन अब उसके बाद जब औरंगजेब आए और शाहजहां ने जब दक्षिण मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह शाहजहां ने अहमदनगर को कंट्रोल किया राइट और बीजापुर गोलकंडा को भी जो है उसने सबड्यू किया ट्रिब्यूट देने पर मजबूर किया और दक्कन को दक्कन के इस पूरे रीजन को जीतने के बाद वहां पर उसने औरंगजेब को जो है वो बिठाया वहां पर मतलब एज अ गवर्नर और औरंगजेब दक्षिण में रहा और औरंगजेब जो है वो पूरा दक्कन का माहौल उसने एब्जॉर्ब किया और फिर औरंगजेब दिल्ली में गद्दी पर आया ठीक है सो दैट मीन्स औरंगजेब दक्कन की पूरी सिचुएशन से अच्छे तरह कन्वर्जेंट है राइट right? लेकिन यहां पर ना एक बहुत सिंपल सा पॉइंट ये है कि खैर वो ऑप्शनल पे हम जाएंगे ना तो ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उसको लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं कि अकबर जैसे रिलीजियस टॉलरेंट था जहांगीर और फिर शाहजहां इवेंचुअली जो है वो ये रिलीजियसली टॉलरेंट क्यों नहीं रहे इतना क्योंकि शाहजहां को भी आप देखेंगे तो उसने भी दक्कन में काफी समय बिताया औरंगजेब को अगर आप देखेंगे तो उसने भी दक्कन में काफ़ी समय बिताया इनफैक्ट पूरा बचपन ऑलमोस्ट औरंगजेब का दक्कन में ही बीता है तो दक्कन में ऐसा क्या है कि वहां से अगर कोई प्रिंस निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा कट्टर है और अगर कोई राजपूत वाले एरिया में रह रहा है तो वो लिबरल है सो तो आप समझ ही गए ना कि राजपूत वाले एरिया में जो रह रहा है वो राजपूतों के साथ रहता है तो बचपन से ही वो वैल्यूज लिबरल वैल्यूज उसकी बन जाती लेकिन अगर कोई दक्कन में रह रहा है तो वहां पर वो लिबरल वैल्यूज जनरेट नहीं हो पाती ठीक है खैर हम इसको ऑप्शनल लेवल पर ले जाएंगे वहां पर ये हमारा समझने के लिए बनता है लेकिन एक क्यूरोसिटी मैंने आपके अंदर जगा दी कि ये एक कारण है कि दक्कन में ऐसा कुछ था जिस वजह से वहां से निकलने वाले प्रिंस कट्टर निकलते थे ठीक है खैर औरंगजेब रेन वॉज अबाउट फिफ्टी ईयर्स विच वॉज फुल ऑफ डिवोशन टू सीजनलेस वॉर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया अब औरंगजेब दक्कन से निकला औरंगजेब जो है वो मतलब पैदाइश से मतलब वहाँ पर पला बढ़ा देखिए बिल्कुल बेसिक पॉइंट ये है मैं आपको समझा ही देता हूँ जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना इंडिया का वहाँ पर सूफी ज़्यादा स्ट्रांग है और दक्षिण में उलेमा ज्यादा स्ट्रांग है दैट मीन्स दक्कन वाले एरिया में ऑल आल, आलमगीर के आसपास जो कट्टर मुस्लिम है जो उलेमा है वो उसको सिखाते हैं सब कुछ उसकी रिलीजियस पॉलिसीज उन्होंने प्रिपेयर करी उसकी पॉलिटिकल थ्योरीज उन्होंने प्रिपेयर करी ठीक है और अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज जो हैं वो सूफी लोगों से वहाँ मतलब नॉर्थ इंडिया में क्या है थोड़ा सूफिजम की हेल्थ जो है वो स्ट्रांग मतलब सूफिजम ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कंपेयर टू उलेमाओं की हेल्थ जो है वो थोड़ी कोर्ट पर कमज़ोर है अकबर की वजह से ऐसा मुमकिन हो सका या उससे पहले भी सुल्तानों ने काफ़ी सूफिज्म को दिल्ली सुल्तानों ने भी सूफिजम को काफ़ी सपोर्ट किया राइट right? सो so, अब औरंगजेब जब दक्कन से निकलकर आता है पैदाइश बचपन में वो उलेमाओं के साथ रहा ऐसे लोगों के साथ रहा जो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब लिबरल थॉट्स नहीं रखते हैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थॉट्स रखते हैं और और जो वो देखता आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक है और वो शक्ति में आ रहा है और वो इतिहास बचपन से ये इतिहास पढ़ता है कि जो पुराने शासक हैं है ना जो पुराने मुस्लिम शासक हैं उन्होंने किस तरह जो खलीफे हैं जो पुराने मुस्लिम शासक हैं उन्होंने किस तरह जो है वो इस्लाम को फैलाया और उन्होंने दर इस्लाम बनाया ना कि दरुल हर्ब और मुग़ल बादशाहों ने किस तरह दरुल ख़ासतौर पर अकबर जो है वो काफिर अकबर को काफिर कहा करते थे उलेमा ठीक है और अकबर को कहा करते थे कि इसने जो है वो दरोल इस्लाम नहीं दरुल हर्ब क्रिएट कर दिया है यहाँ और औरंगजेब को बचपन से यही ट्रेनिंग मिली कि तुम्हें इस्लाम बनाना है तो यहां पर हमें ये समझ आएगा कि औरंगजेब के अंदर एक कोतूहल है एक उसको साफ साफ पता चल रहा है कि जो अकबर द्वारा सेट की गई पॉलिसीज हैं वो बहुत एफिशिएंट हैं और अच्छे से काम कर रही है और दूसरा जो उसके दिमाग में सेट किया गया है कि नहीं मुझे दर इस्लाम बनाना है और ऐसे ही चलेगा सिस्टम राइट right. तो ये जो दो पर्सनैलिटीज आप कह सकते हैं औरंगजेब के अंदर डेवलप्ड हैं इन्हीं के बीच में क्लैशेज हैं और इन्हीं की वजह से इसकी राजपूत पॉलिसी और जो रिलीजियस पॉलिसी है वो डिफेक्टिव क्रिएट होती है ठीक है देखेंगे और इस वजह से वो युद्ध में रहा सीजलेस वॉर में ठीक है अब बचपन से उसको यही था कि जैसे सिकंदर सानी का टाइटल आप मुझे बताएंगे किसने लेने की कोशिश किसने लिया सिकंदर सानी का टाइटल उसी तरह आलमगीर चाहता था कि मैं भी पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करूं और फिर उसके बाद मैं समरकंद तक या मतलब जो मिडल ईस्ट या सेंट्रल एशिया है उसकी पॉलिटिक्स पर भी मेरा कंट्रोल हो और मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स पर अगर वो कंट्रोल करना चाहता है और वहाँ पर मुस्लिम है बहुत ज़्यादा तो दैट मीन्स उसको हिंदुस्तान से ही बहुत मतलब समझ रहे हैं बहुत स्टिफ मुस्लिम सिस्टम जो है वो जनरेट करना पड़ेगा तभी सेंट्रल एशिया और ईरान की नोबिलिटी उसकी सुजर्निटी को एक्सेप्ट करेंगी उसकी सोवर्निटी को एक्सेप्ट करेंगी समझ रहे हैं आप इसीलिए लंबी लंबा खेलना चाह रहा था आलमगीर कि मैं जो है वो पहले हिंदुस्तान को जीतूं फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट पर कब्जा करूं और सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट में जो है वो दरुल इस्लाम है कट्टर इस्लाम है वहां पर राइट ठीक है मतलब मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि वो लोग रिलीजियसली टॉलरेंट नहीं है ट्रेड गिल्ड्स के लिए ऑब्वियसली थे वो ठीक है और अरबी लोग खास तौर पे लेकिन जो सेंट्रल एशियाटिक रीजन है वो तो होमलैंड है ना तिमूरों का तो वहां पर अगर कंट्रोल करना है तो और उन नोबिलिटी को अगर अपनी बात मनवानी है तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम भी सच्चे मुसलमान हैं क्योंकि देखिए ये ना ट्रेंड बन गया था अकबर के बाद कि जो तिमूरी है ये मतलब इनमें वो सच्चे मुसलमानों वाली बात रही नहीं क्यों क्योंकि तुर्कियों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तुम लोग कन्वर्जेंस कराओ जल्द से जल्द

जीतना चाह रहा है वो कि मैं समरकंद को भी वापस जीतूं या सेंट्रल एशिया को भी मैं सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ जमाऊं तो उसके लिए उसको भारत में दर इस्लाम एस्टेब्लिश करना पड़ेगा तो ये समझ रहे हैं ये मैंने केवल आपको ग्लिम्पस दिया कि जब ऑप्शनल में जाएंगे तो इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और बहुत मजा आएगा ठीक है तब आपको समझ आएगा कि औरंगजेब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उसके फैसले क्या थे और क्यों थे ठीक है खैर आगे बढ़ते हैं सो आज हमें क्या पढ़ना है कि सेसलेस वॉर जो है उसकी सीजलेस वॉर राइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया सो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में दिल्ली के आसपास मराठा रीजन में बंगाल की तरफ हर जगह जो है वो युद्ध छेड़ कर रखा औरंगजेब के समय राइट right. सो so, ये मैप मैंने आपको पहले भी दिखाया है कई बार इसमें हमने ये जो ग्रीन बाउंड्री है ये किसकी शेर शाह सूरी की राइट right. जो कि बाद में किसको मिली हुमायूं को ये येलो वाला जो पोर्शन है इतना इतना रीजन जो है वो किसको मिला था शुरू में 1530 तक यानी बाबर के समय तक जो है वो इतना कंट्रोल में था देखिए ऊपर ट्रेड करने का फायदा कब है जब गुजरात और बंगाल दोनों आपके पास खासतौर पर जो लैंड हिंदुस्तान है नॉर्थ इंडिया वाला जो रीजन है उस पर उस पर शासन करने का तभी फायदा है ठीक है फिर उसके बाद देखिए यहां पर खानदेश हो गया और ये सब कंट्रोल किया अकबर ने और फिर उसके बाद शाहजहां तक जो है वो शाहजहां ने अहमद नगर और फिर इधर बीजापुर और गोलकोंडा को सबड्यू किया लेकिन औरंगज़ेब ने इन सारे रीजन को जो है वो पॉलिटिकली अपने कंट्रोल में लेकर आया लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं तो ये जो लास्ट बाउंड्री देख रहे हैं यहाँ तक औरंगज़ेब ने जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल किया तो आप देख रहे हैं पूरा इंडियन लगभग ऑलमोस्ट जो है वो इंडियन सब मुगल्स के कंट्रोल में है अब उसके बाद जो है वो बाहर निकलना चाह रहा है राइट मुगल्स जो है वो दो दूसरी दोनों दोनों साइड देखिए कंधार से इस साइड वो फारस को अफगानिस्तान को जीतना चाह रहे हैं और ऊपर जो है वो समरकंद वाले एरिया यानी सेंट्रल एशिया को यानी अपने होमलैंड फरगना को जीतना चाह रहे हैं ठीक है अब कुछ राज जैसे अकबर है वो इस मोटिव से नहीं जीतना चाह रहा वो कि मेरा होमलैंड है वो इस मोटिव से जीतना चाह रहा है क्योंकि ये एक नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करते हैं ठीक है अगर आपके हाथ में गजनी आपके हाथ में काबुल और कंधार रहेगा तो आप नेचुरल जो मतलब एंट्रीज हैं बोलन और खैबर दर्रे हैं जहां सेनाएं एंटर कर सकती हैं इन्वेड करने लायक उनको प्रोटेक्टेड रख सकते हैं राइट और अगर आप उसे थोड़ा और आगे निकल जाएं ठीक है हैराथ तक कंट्रोल कर लें और ऊपर समरकंद तक कंट्रोल कर लें तो काफी हद तक ट्रेड रूट भी आपके हाथ में आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट मैप देखिएगा और ये है आपके किस चीज के मैप जो प्रोविंसेस है मुगल प्रोविंसेस है तो ये देख रहे हैं आप ठीक बादक शाह जो है वो ये जो बादशाह वाला रीजन है ये था जो होमलैंड है किनका का तिमूरों का जहां से ये है राइट यहां पर फरगना है और इसी में बल्ख वाले रीजन में जो है वो क्या है आपका समरकंद ठीक है यहीं से लगता हुआ है मतलब इसी के आसपास है राइट जो कि मुगल्स के कंट्रोल में नहीं आया एक बार यहां से यानी कि बादक शाह से जो है वो एक बार बाहर आ गया हुमायूं क्योंकि हुमायूं को अपॉइंट किया था बाबर ने यहां पर एक बार बाद से हुमायूं बाहर आ गया तो उसके बाद फिर किसी मुगल बादशाह कंट्रोल में रिजन आया नहीं ठीक है फिर उसके बाद कंदाहर काबुल लाहौर कश्मीर मुल्तान थाटा यानी सिंध अजमेर यानी राजपुताना दिल्ली आगरा अवध और अलाहाबाद जोड़कर आप कह सकते हैं जौनपुर राइट बिहार बंगाल उड़ीसा मालवा मालवा के साथ जो है वो बुंदेलखंड गोंडवाना विराड क्या बोलते हैं खानदेश गुजरात अहमदनगर गोलकोंडा बीजापुर और नीचे विजयनगर अब विजयनगर से यहां पर जो है वो पोलीगर पोलीगरों में टूट जाएगा बाद में कर्नाटिक बनेगा इधर ठीक है एक साइड जो है वो माबार डेवलप हो जाएगा यहीं पर त्रवण कोर कोचिन मैसूर सब भी डेवलप हो जाएंगे इवेंचुअली ठीक है तो ये है मुगल समय के प्रोविंसेस इन प्रोविंसेस का नाम भी आपको ध्यान रखना है अगर आप ऑप्शनल में बैठ रहे हैं ठीक है हिस्ट्री को लेकर तो ये मैप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं है ना ये ड्रॉ करना मैप जो है वो एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है आई होप आपको ये मैप्स जो हैं वो समझ आते होंगे आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम औरंगजेब ग्रेटली एक्सपेंडेड द टेरिटरी ऑफ मुगल एम्पायर ठीक है जिन गोलकोंडा बीजापुर को ट्रिब्यूट देने पर मजबूर किया था शाहजहां ने उनको पॉलिटिकली कंट्रोल किया औरंगजेब ने विक्ट्रीज इन साउथ एक्सपेंडेड द एम्पायर मोर देन 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो प्रेजेंट डे इंडिया की बाउंड्री है उतना उस समय जो है वो कंट्रोल कर लिया औरंगजेब ने ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी क्योंकि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर पहले और उसके बाद तो फिर लाइन से जो है वो निकम्मे मुगल आए ठीक है आफ्टर हिज डेथ द पावर ऑफ मुगल एम्पायर डिक्लाइंड क्विकली बहुत जल्दी क्योंकि बहादुर शाह जफर जब शक्ति में आए तो वो काबल काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे लेकिन औरंगज़ेब इतनी ज़्यादा समस्याएं खड़ी कर गए थे कि उनके पास जो है वो ज़्यादा कुछ करने को बचा था नहीं और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी तो बहुत जल्दी वो निपट भी गए फिर उसके बाद जहानदर शाह फारूक श्यार वो सब तो फिर निकम में आए लाइन से ठीक है सो लेटर मुगल्स में आपको कराऊंगा क्या हुआ है ना डिक्लाइन ऑफ मुगल्स जो आपको समझाऊंगा तो लेटर मुगल्स की कहानी हम समझेंगे उधर अब बात करते हैं सो so, यहाँ पर इंट्रोडक्शन समझ आया ना औरंगजेब शक्ति में आया औरंगजेब अपने पूरे जीवन में जो है वो मिलिट्री एक्सपीडिशन में लगा रहा राइट right, औरंगजेब के रेन को दो हिस्से में बांट सकते हैं आप जो 1680-82 तक का जो समय है उसमें औरंगजेब जो है वो नॉर्थ इंडिया के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता रहा वहाँ पर लड़ता रहा और फिर जो है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ 22-23 ट्वेंटी ईयर्स वो जो है वो अपने शासन के दक्षिण भारत में मतलब दक्कन वाले एरिया को जीतने में लगा रहा और पूरी तरह मराठों को सबड्यू नहीं कर सका औरंगजेब ठीक है सो so, बात करते हैं सबसे पहले औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी की सो हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है हमें है ना हमने ऐसा पॉइंट उठाना है जो आगे हमारे ऑप्शनल तक मदद करे और प्री में तो कॉन्सेप्ट डेवलप करे ही हमारा पहला पॉइंट देखिएगा औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी वॉज लार्जली बेस्ड ऑन द एना औरंगजेब रेन विच वॉज क्लाइमैक्स बाय द री इम्पोजिशन ऑफ जजिया सो so, जो पहला हाफ है आप मुझे बताएंगे कि औरंगजेब ने जजिया को री कब किया अकबर ने जजिया हटाया 1568। औरंगजेब ने किस साल जो है वो जजिया लगाया और मतलब फर्स्ट हाफ मतलब 15 सॉरी uh, नॉट 15 लेकिन सोलह सो के आसपास जो है वो फर्स्ट हाफ औरंगजेब के समय का औरंगजेब के रेन का आप कह सकते हैं कि खत्म हुआ और यहां तक आते आते नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसका कल्बुलेशन ये है कि फाइनली उसने जजिया हटा दिया अब ऐसा उसने क्यों किया देखिए कारण है पहला तो जो आम मतलब कॉन्सेप्ट है वो ये बना हुआ है कि औरंगजेब वजह कट्टर मुस्लिम और उसने हिंदुओं को पनिश करने के लिए जजिया हटाया ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है समझ रहे हैं ऐसा नहीं शाहजहां ने इतना एक्स्ट्रा मतलब इतना एक्स्ट्रा वेगानजा में खर्चा किया था उसके बाद आलमगीर को शक्ति में आने में इतना युद्ध करना पड़ा राइट right. इतना लड़, इतना लड़ना पड़ा इतना पैसा उसका खर्चा हुआ खुद का ठीक है आलमगीर का और उससे पहले ही जहांगीर के समय से ही जो जागीरदारी क्राइसिस शुरू हो गया था फ्यूडलिज्म को फिर से शुरू कर दिया था जहांगीर ने और जिसको फिर फर्दर हवा दी शाहजहां ने ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिस्ट्री कराऊंगा आपको मुगल्स की उसमें समझाऊंगा राइट सो दैट मीन्स ये कि मुगल बादशाहों ने भी मुग़ल बादशाहों के पास पैसा मुगल बादशाहों ने खासतौर पर शाहजहां ने पैसा बचाने के लिए अपने मनसबदारों को ज़मीनें देनी शुरू कर दी इन ल्यू ऑफ their सैलरी जिससे जागीरदारी क्राइसिस बढ़ा अब ज़मीनें जब भी आप देते हैं किसी को तो होता क्या है वो जो मनसबदार है वो मैक्सिमम टैक्स अपने पास रखेगा और बहुत कम जो है वो सेंटर को देगा दैट मींस रॉयल ट्रेजरी पर प्रेशर बढ़ेगा अगर रॉयल ट्रेजरी पर प्रेशर बढ़ेगा और अगर एक्सेशन की वॉर से गुजर कर आए हैं आप तो ऑलरेडी रॉयल ट्रेजरी पर बहुत प्रेशर है और औरंगजेब को शक्ति पर बिठाने वाले कौन लोग हैं कट्टर हैं बहुत ज्यादा है ना मतलब कट्टर कहने का मतलब ये जो कि मतलब आ, कंजर्वेटिव मुस्लिम सोच रखने वाले हैं वो लिबरल्स नहीं हैं एज जो आप कह सकते हैं अकबर की जो नोबिलिटी थी आपने देखा कि बारह में से आठ तो केवल हिंदू ही थे बारह दीवानों में से आठ दीवान हिंदू ही थे तो इस तरह की जो कोर्ट है वैसी औरंगजेब की नहीं थी क्योंकि औरंगजेब जब शक्ति में आया तो मैक्सिमम दीवान जो है वो मुस्लिम आए अब ठीक है सो ऐसे माहौल में कि जब उसको अपनी नोबिलिटी को खुश रखना है अब जिस नोबिलिटी ने औरंगजेब की मदद करी उसको खुश रखना और वो नोबिलिटी अब एक्सपेक्ट कर रही है कि हमें भी जागीरें दिए जाए क्यों क्योंकि शाहजहां ने भी जागीरें दी थी राइट और ऐसे में जब रॉयल ट्रेजरी पर बहुत ज्यादा प्रेशर है एक्सेशन की वॉर करके आए हैं शाहजहां ने ताजमहल वगैरह पता नहीं कहां कहां पर अभी तो काला ताजमहल बना रहा था शाहजहां ठीक है बिल्कुल ही ट्रेजरी खत्म करने के चक्कर में था वो सो ऐसे में औरंगजेब शक्ति में आता है पैसा उसके पास कम है तो पैसे को रिकवर करने के लिए उलेमाओं की सैलरीज देने के लिए उसके पास उस पैसा नहीं है तो उसको जजिया इंपोज करना पड़ा ठीक है देखिए दोनों कारण है पहला तो ये कि उसको उस मुस्लिम नोबिलिटी को खुश करना है राइट right, जिसके जिसकी जिसकी मदद से वो शक्ति में आया है और उन उसी मुस्लिम नोबिलिटी को उसको पैसे भी देने हैं तो उसने एक तीर से दो निशाने लगाए उसने जजिया लगाया वापस ताकि वो मुस्लिम नोबिलिटी खुश भी हो जाए प्लस उस जजिया से जितना पैसा निकलेगा वो उलेमाओं की सैलरी में दे देगा वो या उन मुस्लिम नोबिलिटी को पैसा वो प्रोवाइड करता रहेगा ठीक है थीके? सो एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर ये एक सियासी फैसला लिया गया था बहुत सोच समझ के लिया गया था औरंगजेब द्वारा ठीक है लेकिन जो बहुत भयंकर बैकफायर कर गया उस पर औरंगजेब को ऐसा लगा कि हिंदू नोबिलिटी को मैं संभाल लूंगा लेकिन उसको ये नहीं पता था राइट और उसको शायद पता भी हो क्योंकि औरंगजेब ने अपने अंतिम समय में जो खत लिखे हैं उसमें औरंगजेब ने बताया है जाहिर किया है कि मैंने बहुत गलत फैसले ले लिए बहुत गलत बात लोगों की बातें सुनकर ठीक है मुझे राजपूत पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहिए था राइट right, मतलब जो अकबर ने शुरू करी थी कंटिन्यू रखना चाहिए था वहां से मेरी जो है वो सिचुएशन खराब हुई है ठीक है so, सो देखिएगा पहला पॉइंट क्या है औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी वॉज लार्जली बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ऑफ फर्स्ट हाफ एना रेन विच वॉज क्लाइमैक्सड बाई रिम्पोजिशन ऑफ जजिया सो पूरी हम देखेंगे ठीक है कि क्या रिलीजियस पॉलिसी है जिसमें फाइनली हुआ क्या उसने जजिया लगा दिया वापस ठीक है क्योंकि शुरुआती रेन में अब औरंगजेब जो है वो लड़ झगड़ कर आया था ठीक है मैक्सिमम नोबिलिटी दारा दाराशिको के सपोर्ट में थी अब दारा जो है वो अकबर का फैन था ठीक है और अकबर का फैन कहने का मतलब ये कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसी का अकबर के जो पूरे फंड है उनका फैन था सो दैट मीन शाहजहां के बाद शाहजहां ने तो घोषित कर दिया था कि दारा दाराशिको बनेगा और जितनी भी नोबिलिटी है खासतौर पर जो राजपूत नोबिलिटी है मनसबदार है वो तो यही सोच रहे थे कि हाँ वो पुराने वाला सिस्टम बनेगा वही सिस्टम बैठेगा ठीक है लेकिन जैसे ही औरंगजेब शक्ति में आए वो अपने साथ अपनी नोबिलिटी लेकर आए ऐसी नोबिलिटी जो मोर कंजर्वेटिव मुस्लिम्स हैं राइट और उन कंजर्वेटिव मुस्लिम्स के प्रेशर में जो फैसले औरंगजेब ने लेने लिए राइट उस वजह से जो बड़ी उम्मीदों में बैठी राजपूत या जाट या अन्य जो भी नोबिलिटीज थी जो उम्मीदों में बैठी थी कि हमारा फायदा होगा धारा शिको के आने के वजह से उन सबका हो गया नुकसान क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है ना

जितनी भी बड़ी दिल्ली के आसपास दिल्ली आगरा के आसपास जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल शक्तियां हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट आता हुआ दिखेगा देखते हैं क्या देखिएगा द ऑर्थोडॉक्स मेजर्स ऑफ औरंगजेब वर ऑन हिज पार्ट टू एस्टेब्लिश एन इस्लामिक स्टेट इन इंडिया विच इन इफेक्ट इंप्लाइड कन्वर्जन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन टू इस्लाम एंड द एक्सटेंशन ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ डिसेंट देखिए औरंगजेब शक्ति में आया औरंगजेब अपने साथ मुस्लिम नोबिलिटी लेकर आया उनका प्रेशर था दरुल इस्लाम बनाना है औरंगजेब का एम्बिशन था दरुल ऐसा नहीं है कि औरंगजेब बहुत सीधा था कि उसको जो है वो दर इस्लाम नहीं बनाना था नहीं उसको भी बनाना था लेकिन आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देखें क्योंकि कहीं कहीं वो ऐसे फैसले लेता हुआ दिखता है कि जो कि मतलब पॉजिटिव फैसले हैं राइट तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर तो छुपा था ही राइट लेकिन जो उसकी नोबिलिटी का प्रेशर था दर इस्लाम बनाना है और मैंने आपको बोला ना एम्बिशन ये है कि पूरे हिंदुस्तान को जीतना सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना है और वहाँ की नोबिलिटी तभी मानेगी दिल्ली की या आगरा की सुविनिटी जब यहाँ पर दर इस्लाम होगा तो उसने क्या किया बड़े लेवल पर कन्वर्जेंस कराने शुरू किए बड़े लेवल पर उसने मतलब ये फतवे जारी करवाए ठीक है उसके उलेमाओं ने ये फतवे जारी करवाए कि मंदिरों को तोड़ा जाए और उस पर मस्जिदें इस्टबलिश की जाए ठीक है तो दारुल इस्लाम बनाया जाए और मैक्सिमम पॉपुलेशन को मेजोरिटी पॉपुलेशन को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए ठीक है तो इससे हुआ क्या इससे गांव के गांव खाली होने शुरू हो गए जैसे मैं अपने पर्सनल बताऊं हमारी ट्राइब मेरी जो ट्राइब है हमारी ट्राइब में कई सारे लोग जो हैं वो औरंगजेब के कन्वर्जन के समय जो हैं वो लाहौर वाले एरिया से पहाड़ी क्षेत्र में मूव किया उन्होंने ठीक है आगे देखते हैं रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल वॉज लार्जली अ रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनल रिलीजियस व्यूज अब देखिए मुगल्स की रिलीजियस पॉलिसी उनके पर्सनल रिलीजियस व्यूज पर डिपेंड करती है क्यों क्योंकि जो तिमूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट का हेड कौन है शहनशाह है या पादशाह है गवर्नमेंट का हेड देट मीन वो जो फैसला लेगा वो फाइनल होगा सो so, औरंगजेब अगर रिलीजियसली टॉलरेंट अकबर अगर रिलीजियसली टॉलरेंट है दैट मीनस वो उसका पर्सनल व्यू है ठीक है सो so, और औरंगजेब अगर रिलीजियसली टॉलरेंट नहीं है सो so वो उसका रिलीजियसली इंटॉलरेंट होना उसका खुद का पर्सनल व्यू है तो यहां पर आप पॉइंट ये है कि शासक की अपनी पर्सनैलिटी उसकी रिलीजियस पॉलिसी में झलकती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासतौर पर ऑप्शनल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लाइन ठीक है बहुत ही ज्यादा प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने बोला ना कि ऑप्शनल के लिए जड़े यहां से डाल दूंगा प्री के लिए हम कुछ मिस करेंगे नहीं ठीक है है इट वेरी नैरो एंड ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ पॉलिसी टेकन बाय औरंगजेब ठीक नैरो क्यों क्योंकि वो केवल मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में सोच रहा था और अपनी नोबिलिटी के बारे में मुस्लिम में भी केवल वो नोबिलिटी जिसने उसको शक्ति में लाने में मदद करी है ठीक है जो दारा शिको मुराद वगैरह के साथ थे उनके भी विरोध में उन मुस्लिम्स के भी विरोध में है वो केवल वही मुस्लिम नोबिलिटी जो जिन्होंने औरंगजेब को शक्ति में आने में मदद करी ठीक है और इससे हुआ क्या जो राजपूत हैं जो सिख हैं जो सतनामी हैं जो बुंदेली हैं जो जाट हैं ठीक है थीके? ये सब जो हैं वो भड़क गए क्योंकि ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे रिलीजियस रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी क्योंकि ये सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दारा शिको शक्ति में आएंगे ठीक है और दारा दाराशिको जो है वो काफी सुफिज से जुड़े हुए थे रिलीजियसली बहुत टॉलरेंट थे दारा शिको राइट पुट बैन अब देखिए अब पैसा उसके पास है नहीं नोबिलिटी औरंगजेब की बात कर रहे हैं पैसा औरंगजेब के पास है नहीं जागीरदारी क्राइसिस शुरू हो गया है, है ना नोबिलिटी को उसको खुश करके रखना है और ऐसे रिलीजियस फैसले उसको लेने पड़ रहे हैं उस नोबलिटी को खुश करने के चक्कर में जिससे दिन बाय दिन जो है वो नए मतलब क्या बोलते हैं उसके खिलाफ जो है वो अपोजिशन या डिसेंट खड़ा हो रहा है ठीक है प्रैक्टिस विच वर कंसिडर्ड अगेंस्ट इस्लामिक स्पिरिट सो अब इस्लामिक लोगों को जोड़ के रखने के लिए उसने इस्लामिक स्पिरिट क्योंकि दरुल इस्लाम बनाना है सो ग्रेजुअली उसमें उसको जो है वो पूरी सोसाइटी में क्या करना है इस्लामिक रूल्स को इम्पोज करवाना है तो जितने भी इस्लामिक एक्टिविटीज के खिलाफ जो भी एक्टिविटीज हो रही थी क्यों क्योंकि अकबर ने खुली छूट दी थी मंदिर बनाओ अपने रिलीजन्स को फॉलो करो अपने सारे मतलब त्यौहार वगैरह सब बनाओ अब औरंगजेब इसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉलिसी लेकर आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं जो इस्लाम अप्रूव करेगा केवल वही होगा राइट right?

और उस सिटी में उसका टेंपल होगा ठीक है सो दैट जो भी दीन्स है ना वो किसी एक सिटी से जुड़ा होगा और जो भी वो सिटी है वो किसी किंग से जुड़ी होगी और जो भी वो किंग है वो किसी डायनेस्टी से जुड़ा होगा राइट दैट मीन अगर कोई टेंपल बर्बाद कर रहा है अगर औरंगजेब और उसके सबोर्डिनेट्स ने अगर कोई टेंपल बर्बाद किया दैट मीन किसी डायनेस्टी को हार्म किया उन्होंने तो so ये पॉलिटिकल फैसला है ऐसी डायनेस्टीज या ऐसे किंग्स ऐसे किंग्स जिन्होंने औरंगजेब का साथ नहीं दिया था शक्ति में आने में उनकी सिटीज के टेम्पल्स को बर्बाद किया उसने ठीक है तोड़ा एंड नॉट जस्ट दैट उसने जर्नली सब बहुत सारे मंदिर जो हैं वो तोड़वाए और देखिए कई जगहों पर तो अब ये जो इस्लामिक स्प्रिट है ये कई जगहों पर हमें बाद में देखने को मिलता है औरंगजेब के खतों में देखने को मिलता है कि वो चाहता भी नहीं था कि इतने बड़े लेवल पर हो वो चाहता था कि एक स्टेटमेंट सेट हो जाए लेकिन एक बार जब आलमगीर ने कह दिया कि मंदिर तोड़ो तो उसके जो फेनेटिक सपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर तोड़े ठीक है इसका मतलब यह नहीं है कि औरंगजेब ने ऐसा नहीं कहा कि मंदिर तोड़ो ठीक है क्योंकि सेंस बनती है ना जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया ना कि एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को तोड़ो और उसके ऊपर अपना एस्टेब्लिश करो राइट जो मंदिर मस्जिद चर्च वगैरह इनका सिस्टम यही है ना ठीक है क्या है ये ये एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेंटर होता है और अगर आप दूसरे का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेंटर हटा देंगे और अपना सेट कर देंगे तो आपका सिस्टम चल पड़ेगा वहां पर वही चीज औरंगजेब करने की कोशिश कर रहा था ठीक है जो कि बैक फायर कर गया उस पर ऐसा करना नहीं चाहिए था उसे क्यों मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है मेजोरिटी ट्रेड गिल्ड हिंदुओं के पास है राइट तुम उन्हें खुश रखोगे तभी वो तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे नहीं रखोगे तो ट्रेजरी खाली होती जाएगी तुम युद्ध पे खर्चा करते जाओगे ट्रेजरी और खाली होती जाएगी इनपुट आएगा नहीं ठीक है आगे देखिएगा दिस वॉज सो बिकॉज औरंगजेब स्टार्टेड फियरिंग फॉर हिस्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑल्सो देर वर सम समेम्पल वेर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम टू गो एंड लर्न द टीचिंग एंड औरंगजेब थॉट दैट दीज काइंड ऑफ मे हिज प्रैक्टिसल फॉर्च्यून देर फॉर दिशोलिशमेंट टूक प्लेस देखिए औरंगजेब ने मंदिर क्यों तोड़वाए पहली बात तो ये कि वो हिंदू और मुस्लिम एकता नहीं देखना चाहता था क्योंकि जहां पर हिंदू और मुस्लिम एकता है सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट यानी कि फारस अरब की जो बड़ी मुस्लिम शक्तियां हैं जिनको इम्प्रेस करना चाहता था औरंगज़ेब इम्प्रेस नहीं एक्चुअली औरंगज़ेब सेंट्रल एशिया और इस पूरे रीजन पर कंट्रोल करना चाहता था और यहाँ की नोबिलिटी तभी औरंगज़ेब के अंडर आती जब इंडिया में दरल इस्लाम होता तभी वो लोग औरंगज़ेब को मानते कि हाँ औरंगज़ेब जो है वो मतलब हमारा शासक बन सकता है ठीक है औरजेब का बहुत लंबा मतलब उसका जो है वो प्लान था उसके लिए इंडिया में उसको दरुल इस्लाम बनाना जरूरी था और इंडिया में अकबर द्वारा जो रिलीजियस पॉलिसी शुरू हुई थी और जो भक्ति सूफी मूवमेंट की वजह से जो एक सोसाइटी में गंगा क्या बोलते हैं उसको एक सोसाइटी में जो एक हारमनी क्रिएट हो रही थी राइट इस वजह से औरंगजेब भड़का हुआ था कि हारमनी जो है वो खत्म की जाए ठीक है ताकि दरोल इस्लाम इस्टेब्लिश किया जाए इस्लामिक लॉज को एनफोर्स किया जाए ताकि ये सोसाइटी हमारी या मेरा रेन जो है वो लेजिटमाइज हो जाए ठीक है क्योंकि लजिटमेशन कौन दे रहा है रेन को खलीफा ही दे रहा है ना अगर खलीफा ये कहेगा कि तुम्हारा दरोल हर्भ है राइट मान लीजिए कल को मतलब औरंगजेब जो है वो समरकंद को कंट्रोल कर लेता है और समरकंद की नोबिलिटी की मदद से ही वो कंट्रोल कर पाएगा ना अगर वहाँ की नोबिलिटी औरंगजेब को अपना शाह मानेगी नहीं तो वो कैसे वहाँ पर अपना कंट्रोल रख पाएगा अगर मान लीजिए फारस की नोबिलिटी अगर औरंगजेब को अपना शाह माने ही ना तो वो कैसे वहां पर कंट्रोल कर सकता है ठीक है so, सो औरंगजेब के ये बहुत लंबे जो हैं वो पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स थे उनको उनमें समस्या ना हो जाए इसीलिए रिलीजियस पॉलिसी जो है वो उसने कट्टर रिलीजियस पॉलिसी इंडिया में अपनानी शुरू करी ठीक है आगे बढ़ते हैं अदर कंजर्वेटिव पॉलिसीज देखिए क्या क्या है और कंजर्वेटिव पॉलिसी क्या है सो so, एक तो पहली बात यह कि उसका लॉन्ग टर्म विजन था कि उसका दरुल इस्लाम बनाना है और एक्सपेंड करना है सेंट्रल एशिया में ठीक है दूसरी चीज यह कि उसके पास पैसे नहीं थे सो so, उसको यह सब पॉलिटिकल फैसले करके जो है वो अपनी जनता को मैन्युपुलेटेड रखना पड़ रहा था उस, क्योंकि उसके पास अदरवाइज पैसे नहीं थे वो सब काम करने के लिए ठीक है देखिएगा ही अबॉलिश द सेलिब्रेशन ऑफ पर्शियन न्यू ईयर्स डे सो जो नवरोज नवरोज का फेस्टिवल जो किसने शुरू करवाया था बलबन ने नवरोज का फेस्टिवल जो शुरू करवाया था वो बंद करवाया उसने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है ये फारसियों का है ठीक है नेक्स्ट एंड डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ झरोका झरोका दर्शन जरोका दर्शन क्या होता है कि बादशाह जो है वो सुबह सुबह आते हैं झरोके पे और दर्शन देते हैं अपनी जनता को ये सब बंद कराया उसने कि ये सब कराने का टाइम मेरे पास नहीं है इसमें पैसा लगता है खर्चा होता है ज्यादा सो जहां जहां पर कोर्ट में खर्चे हो रहे हैं ना वो खर्चे बंद करा दिए उसने उसने दीवाने आम में दीवारों पे जो हीरे जवरात जड़े हुए थे वो उतरवा दिए सोने की रेलिंग्स लगी हुई थी वो खुलवा दी जो दीवाने आम और दीवाने खास में जो म्यूजिशियंस होते थे उन सबको भगा दिया जो उलेमा होते थे उनकी संख्याएं कम करा दी ठीक है खुद का जीवन जो है वो बहुत उसने जो है वो मतलब सिंपल कर लिया अब यहां से जो है ना औरंगजेब को टाइटल मिला है कि वो जिंदा पीर है लेकिन ये पॉलिटिकल मूव है समझ रहे हैं जिंदा पीर नहीं है भैया वो गरीब है उसके पास मतलब उधार में है वो उसके पास उसको सोचना है कि मुझे अपने हरम को चलाकर रखना है है ना तो वो हरम में उस जो महिलाएं हैं उनके ऐशोराम में तो कमी नहीं होने दे सकता वो सो उसको चलाकर रखना है तो एटलीस्ट मैं अपने कोर्ट में जो ऐशराम है उसको ख़त्म करा दूँ तो जबकि खुद औरंगजेब वीणा बजाने का शौकीन था खुद औरंगजेब बहुत बेहतरीन जो है वो म्यूजिक और मतलब लिटरेचर की परख रखता था तो उसने क्यों म्यूज़िक के खिलाफ कदम उठाए क्योंकि उसके पास सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं थे कोर्ट कोर्ट म्यूजिशियंस को कोर्ट म्यूजिशियंस कोर्ट पोएट्स कोर्ट उलेमा इन सब को सैलरी देने में खर्चा होता है वो सब हीरे जोहरात उतार कर उसने जो है वो उधार चुकाए हैं या मतलब जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स हैं उसमें पैसा लगाया है ठीक है और अब आप सोचेंगे कि आलमगीर हिंदुस्तान का बादशाह उसको उधार लेना पड़ता था जी हाँ बिल्कुल उधार पर जीना पड़ता था क्योंकि इकोनॉमी मैनेज करनी पड़ती थी ना उसको हिसाब लगाना पड़ता था कि साल में इतना टैक्स आएगा तब जाकर मान लीजिए अभी तक टैक्स आया नहीं है लेकिन कहीं युद्ध आ गया वहां पर दस हजार सैनिक भेजने हैं तो उसने किसी मनसबदार को कहा कि इतना पैसा तुम मुझे दो या इतनी सेना तुम वहां पर ले जाओ ठीक है उधार किस तरह कि मान लीजिए उसने किसी मनसबदार को दो तीन मनसबदार को कहा कि तुम अपने पांच सात हजार सैनिक लेकर जाओ तुम्हें पैसे में अगले महीने पहुंचाऊंगा यह सैलरी जो है वो बाद में देंगे और नहीं होंगी तो इतना जागीर तुम्हारी तो जागीरदारी क्राइसिस भी इस तरह बढ़ता गया समझ रहे सो so, देखिए झरो दर्शन उसने बंद कराया अ प्रैक्टिस बाय विच एम्पर अपियर एवरी मॉर्निंग ऑन अ बालकनी ऑन वॉल ऑफ द पैलेस टू रिसीव द सैल्यूट ऑफ पीपल असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट तो ये झरो दर्शन उसने बंद किया कि झरोके पे झरो आप समझते हैं जो खिड़की होती है ना उसको झरोका कहा जाता है so, तो झरोके पर आकर दर्शन देने का जो है वो टाइम उसके पास नहीं था क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी समस्याएं थी तो बैड टेम्पर में वो रहता ही होगा क्योंकि इकोनॉमिक हालात जो है वो उसके एंपायर के बद से बदतर होते जा रहे थे ठीक है थीके? उतने बेहतरीन नहीं थे जितने जहांगीर और शाहजहां के समय थे ठीक है नेक्स्ट ही फोर म्यूजिक एट द कोर्ट एंड डिसमिस द ओल्ड म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था इन सब को उसने डिसमिस कर दिया ठीक है और बताया ही गया कि नहीं मैं इन सब चीज़ों को मैं मतलब जिंदा पीर हूं समझ रहे पोट्रे इस तरह किया गया इस पॉइंट को कि मैं तो जिंदा पीर हूं और ये सब भोग विलास मेरे काम का नहीं है मैं तो मतलब कट्टर मतलब सच्चा मुसलमान मैं ही हूं तो इस तरह की वो इमेज जनरेट कर रहा था ताकि मुस्लिम नोबिलिटी को वो जोड़ कर रख सके अपने साथ ठीक है मुस्लिम नोबिलिटी आज भी औरंगजेब को कहते हैं कि भैया वो तो जिंदा पीर थे जिंदा पीर नहीं थे वो उसकी समस्याएं थी इकोनॉमिक समस्याएं थी जिस वजह से वो ये स्टेप्स उसको उठाने पड़ रहे थे ठीक है खैर समझ रहे हैं वो जो पॉइंट उसने वो जो मतलब अपनी छवि क्रिएट करी है उसने मुस्लिम पॉपुलेशन में वो आज तक मौजूद है आज भी आप अगर दक्कन में औरंगाबाद जाएंगे तो वहां पर जिंदा पीर के तरह जो है वो औरंगजेब को ट्रीट किया जाता है है ना कि उसने तो सब भोग विलास छोड़ दिए थे जमीन पर सोया करता था ठीक है जबकि अगर आप कॉन्ट्ररी देखेंगे मतलब जो फैक्ट्स को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी ट्रेजरी में पैसा कम होता जा रहा था तो वो मैनेज कर रहा था एक्चुअली वो पैसे को मैनेज कर रहा था वो अननेसेसरी खर्चों को काट रहा था ठीक है औरंगजेब के हिसाब से कोर्ट ये सब अननेसेसरी खर्चे हैं क्या फ़ायदा था इनका ठीक है तो वो पैसा बचा कर वो हरम पर लगा रहा था ठीक है हरम या मतलब जो महल में जो खाना वगैरह समझे ना महल को पूरे किले को चला कर रखना बहुत आ, आप ये सोच लीजिए एक घर को चला कर रखना पाँच छः व्यक्तियों विक, को व्यक्तियों के परिवार को चला कर रखने में आज कितना खर्चा होता है तो मान लीजिए डेढ़ दो दो या पाँच हज़ार लोग अगर अगर किसी किले में है मतलब किसी किले के लिए मेंटेनेंस में मतलब किसी किले किसी किले को मेंटेन करके रख रहे हैं मान लीजिए दो हजार लोग भी तो उनके लिए कितना खर्चा लगता होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं द ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ स्टैंपिंग द कलिमा मुस्लिम कन्फेशन ऑफ फेथ ऑन दस अबॉलिश होली वर्ड्स बी डिफाइल्ड बाय द टच ऑफ अनबिलीवर्स देखिए अब उसने इस्लामी पॉपुलेशन को खुश करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए उसने सिक्कों पर जो कलमा लिखा जाता था वो उसने कलमा छपवाना बंद कर दिया क्यों क्योंकि सिक्के कभी पैर के नीचे आते हैं सिक्के ऐसे लोगों के हाथ में जाते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते यानी जो जिम्मी है उनके हाथों में जाते हैं सिक्के ठीक है तो ऐसे लोगों के हाथ में सिक्के ना जाए कलमा ऐसे लोगों के हाथ में जाए ही ना जो कलमे पर विश्वास करते ही नहीं है जिनको कलमा पढ़ना ही ना आता हो ठीक है सो एक ये पॉइंट है उसने जो है वो सिक्के पर कलमा छपवाना बंद करा दिया नेक्स्ट चीज द सेरेमनी ऑफ वेइंग अब तुला दान करना, एम्परर। एम्परर को मतलब जो बड़े-बड़े होते हैं, सॉरी औरंगजेब के पास था ही नहीं खर्च करने के लिए दान करने के लिए पैसा था ही नहीं उसके पास ऐसा नहीं है उसके पास पैसा नहीं था पैसा उसके पास था लेकिन जो उसके एम्बिशन थे जितना उसने युद्ध छेड़ा हुआ था राइट इन सब कामों के लिए उसके पास पैसा नहीं था तो उसने तुलादान कराना भी बंद करा दिया ठीक है अगेंस्ट गोल्ड एंड एंड सिल्वर गिवन अप रॉयल रॉयल वर को किया ठीक है यहां से जो है वो पता चलता है मतलब इसको पोर्ट्रेट इस तरह किया गया कि आलमगीर नहीं मान रहा किसी की बात वो अपना खुद जो है वो अपना भविष्य बना रहा है ठीक है इस तरह उसके कोर्ट में डॉक्यूमेंट किया गया लेकिन पॉइंट ये है कि उसके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे ठीक है नेक्स्ट चीज द कल्टिवेशन एंड सेल ऑफ भांग वॉज प्रोहिबिटेड नशा बंद करवाने की कोशिश करी और भांग के कल्टिवेशन को बंद करवाया ठीक है नॉर्थ इंडिया में भांग की खेती बहुत बड़े लेवल पर होती थी उस समय आज भी होती है कई जगहों पर इनफैक्ट पंजाब वाले क्षेत्र में तो एक प्रॉपर मिसल थी भंगियों के नाम से है ना वो सभी मतलब उनका नाम ही भंगी था क्योंकि वो भंग लेते थे बहुत ज्यादा उसके अलावा भांग गांजा जो है वो आज भी हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है और बहुत अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है कि हमारी जो जवान पॉपुलेशन है वो बहुत बुरी ग्रस्त में है टी के मतलब भांग के नशे के ठीक है जो कि अच्छी बात नहीं है नशा किसी भी तरीके का हो अच्छा नहीं होता शरीर के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं ऑल पब्लिक वुमन डांसिंग गर्ल्स अब दिल्ली आगरे के आसपास जितने भी ऐसे रेड लाइट एरियाज मौजूद थे या जितनी भी ऐसी डांसिंग गर्ल्स थी क्योंकि उस समय तो ये बहुत मतलब आम था

ठीक है उनको बोला गया कि यहां से ये जो है वो मतलब छोड़ दो ये काम ठीक है करना छोड़ दो राइट मतलब बेसिकली वो प्रोस्टिट्यूशन को बैन करा रहा था ठीक है तो उसने कहा कि या तो प्रोस्टिट्यूशन छोड़ दो शादियां कर लो या तो मैं आपकी शादियां करा दू तो कई जबरदस्ती शादियां भी करवाईं उसने ठीक है सो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है उसकी मतलब जो उसकी पॉलिसीज रही ठीक है सोसाइटी को इस्लाम बनाने के लिए जो उसने स्टेप्स उठाए आगे देखिए ही अपॉइंटेड public morals टू रेगुलेट द lives ऑफ पीपल इन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विद शरिया अब शरिया के अकॉर्डिंग शराब पीना हराम है जितने भी मतलब जो भी हराम पॉइंट्स एडिड है ना शरिया में कि ये सब काम करना जो है वो हराम हराम और हलाल का मतलब क्या होता है हराम का मतलब होता है इलीगल और हलाल का मतलब होता है लीगल राइट जो हलाल है वो लीगल है जो हराम है वो इलीगल है राइट सो जो भी काम शरिया के अकॉर्डिंग हराम है वो सब बंद कराना और उसके लिए उसने बरीद छोड़ दिए अब लेकिन यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों के पर्सनल लाइफ में वो नहीं एंटर कर रहा था यानी कि जितने भी खुले दारू के शराब के जो अड्डे हुआ करते थे ठीक है जुए के जो अड्डे हुआ करते थे वहां पर उसने काम बंद करवाया ठीक खासतौर पर बड़े शहरों में दिल्ली आगरा में ठीक इससे हो क्या रहा था इससे बेसिकली वो एक इमेज क्रिएट कर रहा था कि मैं समझ रहे वो अपनी कंजूसी को जस्टिफाई कर रहा था पहली चीज दूसरी चीज नोबिलिटी को खुश करने के लिए वो ये स्टेप्स उठाने पड़ रहे थे उसे क्यों क्योंकि उसको दर इस्लाम बनाना था तो उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके यही लगे कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से सोसाइटी को ठीक करता हूं लेकिन प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम पता है क्या है प्रॉब्लम है इंसान की ईगो उसे लगता है कि एक लाइफ टाइम में सिस्टम चेंज हो जाएगा आज भी हम ये सोचते हैं ना कि हम सिस्टम चेंज कैसे करें भैया एक लाइफ टाइम में सिस्टम चेंज नहीं होता जो यूपीएससी है ना वो आपके अंदर परसिस्टेंसी ढूंढ रहा है वो ये जानना चाहता है कि अगर आप अपना पूरा करियर भी लगा दें किसी एक बड़े फैसले को करवाने के लिए तो क्या आपके अंदर वो परसिस्टेंसी है क्या वो लॉस सहने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या क्या आपने अपनी ईगो को उस तरह डिजाइन किया है कि आप यही मानते हैं कि आपके ही पूरे टेन्योर में आपके ही पूरे जो है वो मतलब वो, क्या बोलते हैं आपके पूरे टेन्योर में जो है वो आप पूरे सिस्टम को चेंज कर देंगे नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है टाइम ठीक है जनरेशन टू जनरेशन राइट हो सकता है कि पचास साल लगें आपसे हो सकता है कि आपके आगे आने वाले कई जनरेशन के जो है वो टेनयर लग जाए सिस्टम को ठीक करने में राइट सो परसिस्टेंसी परसिस्टेंसी जो है वो यूपीएससी चेक करता है वो परसिस्टेंसी औरंगजेब के पास नहीं थी उसको ये लगा कि मैं एक ही अपने ही लाइफस्टाइल अपने ही जीवन काल में दरुल इस्लाम बनाकर मतलब मैं फैला दूं मुगल एम्पायर को जितना हो सके ठीक है तो ये बहुत सारे शासकों और ये ना बहुत बिल्कुल बेसिक सा सेंस है और ये कॉमन सेंस है अगर आप देखें तो ठीक है इट इज़ नॉट कि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्वियसली बड़े मतलब जो भी चेंजेस आने में कई समय लगता है और हो सकता है कि एक शासनकाल में ना हो ये बात अंग्रेजों ने समझी इसीलिए अंग्रेजों ने पूरी मतलब दुनिया में इतनी सारी कंट्री को कॉलोनाइज किया उनको पता था कि किसी एक व्यक्ति क्योंकि वो दे डू थिंग्स इन द नेम ऑफ देयर किंग एंड क्वीन एंड नॉट अ पर्टिकुलर किंग राइट ये नहीं कि वो किंग जेम्स के लिए ही करेंगे और किसी के लिए करेंगे नहीं तो ये उन्होंने ना ऐसा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया है ओवर द पीरियड डेवलप किया है ठीक है धीरे धीरे कि और ये दूरदृष्टि उनको समझ आएगी कि, कि किसी एक व्यक्ति के टेन्योर में ये काम नहीं होगा जैसे भारत में वो कब आए सोलह में लेकिन भारत में उन्होंने छेड़छाड़ सोलह सो में करनी शुरू करी और फिर फाइनली 1740 के बाद उन्होंने बड़े पॉलिटिकल फैसले लेने शुरू करे तो लगभग 150 सालों तक वो डोरमेंट रहे समझ रहे हैं तो ये इसे कहा जाता है परसिस्टेंसी और ये परसिस्टेंसी की क्वालिटी जो है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी और यही कमीशन आपके अंदर ढूंढता भी है राइट और यही हमें इतिहास से सीखना भी होता है समझ रहे हैं आप आगे देखते हैं इन 1669 ही इशूड ऑर्डर टू द गवर्नर ऑफ ऑल द प्रोविंस टू डेमोलिश द स्कूल एंड टेम्पल्स अब 1669 से जो है वो खेल शुरू होता है 1669 में उसने ऐसे स्कूल्स जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों पढ़ रहे हैं ऐसे टेम्पल्स जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों जा रहे हैं नॉट जस्ट टेम्पल्स लेकिन उसने ऐसे जो सूफियों के मतलब कुछ ऐसे सूफियों के जो मतलब क्या बोलते दरगाहें हैं उन पर भी प्रोहिबिशन लगाया कि यहां पर इस्लामिक लोग ही जाएंगे हिंदू नहीं जाएंगे ठीक है और मुस्लिम हिंदू तो थे ही राइट जिनको उसने डिमोलिश करवाना शुरू करवाया क्यों करवाया क्योंकि उसकी जगह वो मस्जिद बनाकर अपना इकोनॉमिक सिस्टम लाना चाहता था राइट क्योंकि अगर मंदिर रहेगा तो मंदिर में चढ़ावे चढ़ेंगे हिंदू राजा हिंदू राय रावत जो है वो चढ़ावे चढ़ाएंगे वो मन, वो सारा पैसा जो है वो किसके पास जाएगा प्रीसली क्लास के पास वो प्रीसली क्लास जो है फिर फर्दर जो है वो इन्वेस्ट करेगी ट्रेडिंग में ठीक है ट्रे या फर्दर जो है वो लोन में मतलब लो, बैंक की तरह काम करेगी और वो प्रीसली क्लास किसको देगी या तो वो हिंदू या जैन ट्रेडिंग क्लास को ही देगी या तो वो फिर हिंदू राजाओं वगैरह को लोन देगी तो इससे होगा क्या इससे हिंदू राजाओं के पास पैसा रहेगा और अगर उनके पास पैसा रहेगा तो वो सेनाएं मेंटेन कर सकते हैं और वो सेनाएं मेंटेन करेंगे तो कभी भी रिबेल कर सकते हैं तो इस तरह दूसरे का सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम तोड़ दो राइट right? और उसकी जगह अपना सिस्टम एस्टेब्लिश कर दो समझ रहे हैं आप सो so, ये पॉलिटिकल मूव होता है और आम जनता को किस तरह जाता है आम जनता तो इस तरह इसको ऐसे लेते हैं कि हमारा मंदिर तोड़ दिया और इसकी जगह मस्जिद बना दी ठीक है उनको डीप मतलब नहीं समझ आता कि मंदिर जो है वो एक सोशियो इकोनॉमिक सेंटर है मंदिर बैंक की तरह काम कर रहा है मंदिर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है राइट right? हिंदुओं के लिए और सिस्टम को उखाड़ दिया दैट मीन उसने हिंदुओं का मतलब हिंदू राजाओं का या हिंदू ट्रेडिंग गिल्ड्स का इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम छीन लिया उससे उसकी जगह अगर उसने मस्जिद बना दिया तो अब वहाँ पर जितना भी पैसा है वो सब किसके पास उलेमाओं के रास्ते जो है वो अब वो जितना भी मस्जिद में चढ़ावा चढ़ चड़ा रहा है राइट या जो जो भी लोग मस्जिद को डोनेशन दे रहे हैं राइट वो सब जो पैसा है पहली बात तो मस्जिद में इतना डोनेशन जाता नहीं ठीक है बट अगर जा भी रहा है तो वो सब पैसा जो है वो अब किसके तरफ जाएगा या तो वो शाह की साइड आएगा या तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह मुस्लिम नोबिलिटी में ही रहेगा जिससे मुस्लिम नोबिलिटी और मुस्लिम जनता खुश रहेगी कि देखो हमारा यहाँ पर मस्जिद बना दिया सर तो ये बहुत समझ ना गहरा खेल है ये बहुत गहरा खेल है और इसके पीछे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मोटिव बहुत गहरे छुपे हैं अगर आप वो समझ गए और अगर पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं उनसे रिलीजियस जो मुद्दे हैं उनसे बाहर आकर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव फंडों को समझ गए और यही बात अगर आपके आंसर में झलक गई और एग्जामिनर को दिख गई तो नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे और आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता नॉट जस्ट दैट नॉट जस्ट कि एडमिनिस्ट्रेटर बनना है एज अ सिटीजन भी आपको पता होने चाहिए ये फंडे ठीक है ये सब तैयारी करने का फायदा तभी है समझ रहे हैं जब आप अपने आप को एनलाइटन करें वो एनलाइटमेंट आपको होना चाहिए आगे देखते हैं अमंग द फेमस टेम्पल्स दस डिस्ट्रॉयड कौन कौन से फेमस टेम्पल इंक्लूड टेम्पल ऑफ सोमनाथ ठीक है गुजरात में विश्वनाथ बनारस में और केशवदेव मथुरा में तो इंपॉर्टेंट टेम्पल देख रहे हैं बनारस में गुजरात में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट सही है मथुरा जो है वो हमेशा से ही उत्तरा और दक्षिणा पथ को कनेक्ट करता है ये मथुरा सिटी और हमेशा से ही ये बहुत पुराना जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट रहा है मथुरा का मंदिर देट मीनस यहाँ यह बहुत इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक सेंटर था इसको तोड़ाया गया सोमनाथ तो हमेशा से ही गुजरात गुजरात की टिप पे है तो यहां पर गुजरात का सारा ट्रेड सारा पैसा जो है वो मतलब नॉट सारा है लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रेड का सोमनाथ मंदिर में चढ़ता है और एक सोमनाथ मंदिर जो है वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रेडिंग में भी पैसा लगा रहा है बैंकिंग में भी पैसा लगा रहा है युद्धों में भी इन्वेस्ट कर रहा है तो सोमनाथ को अगर हटा दिया जाता है तो राजपूत राजाओं के पास हिंदू राजाओं के पास या जैन जो ट्रेड गिल्ड है उनके पास पैसा नहीं रहता है राइट सेम फॉर बनारस बनारस जो है वो हिंदुओं के लिए जो है वो पॉलिटिकल हब है राइट यहाँ से पूरे जो मतलब आप ये मान के चलिए कि मगध और मतलब बिहार वाला बंगाल वाले रीजन को कनेक्ट कर रहा है दिल्ली वाले रीजन से बनारस बीच में है राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक सेंटर है तो उसके अलावा और भी राजस्थान के बहुत सारे मंदिर तोड़वाए उसने उत्तर प्रदेश के भी मतलब हिमाचल हरियाणा पंजाब में भी छुटपुट मंदिर तो बहुत सारे तोड़वाए उसने लेकिन मेजोरिटी बड़े मंदिर ये तीन है ठीक है ध्यान रखना है आपको आगे बढ़ते हैं अब रिएक्शन क्या रहा औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के प्रति राइट right? भारतीयों ने मतलब जो भारतीय हिंदू शासक थे या जो uh, मतलब भारतीय जो थे राइट नॉन मुस्लिम्स जो पॉपुलेशन थी उसने कैसे रिएक्ट किया देखते हैं औरंगजेब पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस लेड टू ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन हुआ क्या उससे ऑपोजिशन जो है वो ऑर्गेनाइज होने लगा यानी कि कम्युनिटी दर कॉम्युनिटी जुड़कर अब औरंगजेब के खिलाफ खड़ी होने लगी फ्रॉम द नॉन मुस्लिम इन द दंट्री सबसे पहले हम देखते हैं जाटों ने कैसे विरोध किया अब जाट जो है वो कहां से आए हैं जाट जो है वो आप मान के चलिए कि बलूच वाला जो एरिया है ना ठीक है यानी कि जो आधा ईरान और आधा पाकिस्तान में बलूच वाला जो एरिया है इधर से जाटों ने सिंध में सिंध से मुल्तान मुल्तान से देखिये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ जाटो का माइग्रेशन क्या है ठीक है सो जाटो में आप मान के चलिए कि फारसी हैं ऑलमोस्ट मतलब आप देखेंगे अगर आप जाट हैं तो आप पाएंगे कि आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं वो टॉल स्टाचर पतले और पॉइंटेड नोज पॉइंटेड ईयर वाले तो आप में कोई कही कहीं ना कहीं जो है वो फारसी रंग रूप नजर आ जाएगा, जाएगा जाटों में ठीक है so, सो कहा से मूव किया जाटों ने एक सेकेंड में आपको मैप में दिखाता हूँ ये मकरान कोस्ट है ये आपका गुजरात ये इंडियन पेनजेला राइट right. ये आपका हिमालय ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट राइट right? सो so, ये जो एरिया है दिस इज बलूचिस्तान है ना इतना एरिया जो आप है आप मान सकते हैं ये बलूचिस्तान है और एक सेकेंड एक सेकेंड थोड़ा सा और इसको ये इंडिया सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट इतना बलूचिस्तान है और यहाँ से सिंध रिवर जा रही है, है ना ठीक है ये एरिया है सिंध सो so, बलूचिस्तान वाले एरिया से सिंध मुल्तान पंजाब और फिर राजस्थान गुजरात और दिल्ली दुआब और उत्तर प्रदेश मतलब इस एरिया में जाटों ने मूव किया है बलूचिस्तान वाले एरिया से यहां से बलू इस एरिया से जो है वो जाटों ने माइग्रेट किया इस डायरेक्शन में ठीक है सो जाट जो है वो प्रीडोमिनेटली कहां पर आकर बसे दिल्ली दुआब वाले एरिया में दिल्ली के आसपास वाले एरिया में लेकिन उसके अलावा पंजाब और सिंध मुल्तान वाले एरिया में भी, भी वो थे ठीक है जाटों की ऑक्यूपेशन क्या है जाटों ने नेटिव्स को रिमूव किया और उनकी बेसिकली जाट जाट भी जो है वो वॉरिंग ट्राइब्स है है ना वॉरिंग ट्राइब है वो भी लड़ना जानते हैं लेकिन वो एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं तो वो एग्रीकल्चर भी करते हैं और वो लड़ना भी जानते हैं दोनों काम करते हैं तो उन्होंने दिल्ली दुआब के आसपास के जितने भी नेटिव्स हैं उनको वहां से खदेड़ा उनकी जमीनें छीनी उनकी जमीनों पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया राइट और अपने आप को जो है वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट के आसपास एस्टेब्लिश कर दिया देख रहे हैं आप ये मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली के आसपास जाटों ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया दैट मीन दिल्ली में जो भी ट्रेड आ रहा है जा रहा है वो और दिल्ली के आसपास जो भी उगाया जा रहा है वो फर्स्ट हैंड जाकर दिल्ली बेचते हैं वो राइट right? सो so, उनको ट्रेड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट का ही फायदा मिल रहा है एज वेल एज वो बहुत उपजाऊ भूमि पर रहते हैं तो जितना भी प्रोड्यूस है वो इंपॉर्टेंट शहर में जाकर वो बेच भी दे रहे हैं तो मुनाफा भी ठीक ठाक हो रहा है उन्हें ठीक है सो ऐसे में जाट दिल्ली आगरा के आसपास रहते हैं है ना नॉट जस्ट दिल्ली लेकिन आगरा के आसपास भी यहाँ पर जाट ही है इधर आसपास है ना दिल्ली आगरा के आसपास जाट नॉट जस्ट जाट लेकिन जाट लेकिन जाटो जैसी कम्युनिटी गुर्जर भी है यहाँ पर है ना वो भी क्या है वो भी वॉरिंग है वॉरिंग ट्राइब्स हैं और एग्रीकल्चरिस्ट हैं बाई प्रोफेशन राइट सो जाट और गुर्जर लोग हैं और हिंदू हैं मतलब और मतलब हिंदू धर्म को उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया हुआ है क्योंकि जाट तो पाश्तून वाले रीजन से है गुजर जो है वो मतलब राजपूत वगैरह डेवलप हुए है उनसे तो वो सब हुआ है वहां पे सो so, यानी कि हिंदू धर्म में वो मतलब इंडियन उनका ठीक ठाक हो गया है है ना और अब औरंगजेब क्या कर रहा है औरंगजेब ने बोला कि आसपास के सारे मंदिर तोड़ दो तो, दिल्ली और आगरा के आसपास के तो मंदिर तोड़े ही गए होंगे सो दैट मीन्स यहाँ के आसपास के जितने भी कम्युनिटी हैं हिंदू कम्युनिटी हैं वो भड़के होंगे ऑब्वियसली और यहां पर कन्वर्जन भी बड़े लेवल पर कराया जा रहा होगा नॉट जस्ट दैट इन पर जजिया भी इम्पोज किया गया होगा और सबसे बड़ी बात ये कि औरंगजेब के जो औरंगजेब ने तो खुद कह दिया ना देखिए औरंगजेब अगर कट्टर पॉलिसी अपना रहा है और औरंगजेब ने अपॉइंट किए हुए हैं कंज़र्वेटिव मुस्लिम्स, राइट एज बड़े बड़े ऑफिशियल्स, तो वो कंज़र्वेटिव मुस्लिम जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेस कर रहे होंगे हिंदू पॉपुलेशन को और वो जो ऑपरेशन है मुस्लिम नोबिलिटी का वो कारण बना इस ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन का ठीक है अब कहा जाएगा तो औरंगजेब के खिलाफ औरंग तो औरंग तो औरंग ही लेकिन करी उस मुस्लिम नोबिलिटी ने राइट जिस मुस्लिम नोबिलिटी को शक्ति में औरंगजेब लेकर आया और जिस मुस्लिम नोबिलिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी दिल्ली दुआब के आसपास की जनता क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दाराशिको आएंगे शक्ति में और वो जो नोबिलिटी लेकर आएंगे वो एक टॉलरेंट माहौल बनाएगा, right? so, ऐसे में देखिए हुआ क्या? है ना? So, अगर दिल्ली आगरा से शुरू हो रहा है तो उसके आसपास वाली एरिया में तो बहुत बढ़ चढ़ कर हुआ, ठीक है? और पर कौन है? जाट गुजर है अब्दुर नाबी ना ठीक है फौजदार मैंने बोला ना नोबिलिटी

एक फौजदार है मथुरा से उसने जो है वो मथुरा का इंपॉर्टेंट मंदिर तोड़ा और भी छोटे छोटे मंदिर तोड़े वहां पर मस्जिद बनाया और उसने जाट पॉपुलेशन या हिंदू पॉपुलेशन को प्रोसिक्यूट करना शुरू किया टॉर्चर करना शुरू किया मारना पीटना करना शुरू किया राइट और जो मुस्लिम मतलब आर्मी है वो अब हिंदुओं पर अत्याचार सा करना जो है वो शुरू हो गई थी ठीक है सो इन अत्याचारों के खिलाफ जो है वो जाटों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया कंसिक्वेंटली इन 1669 द जाट्स अंडर देयर लीडर गोकुल रिवोल्टेड जब और बैटल हुई बैटल ऑफ तिलपत तिलपत क्या है तिलपत से जो है वो गोकुल एक जमींदार थे है ना एंड किल्ड द फौजदार अब्दुर नाबी उन्होंने मार दिया अब एक मुगल नोबिलिटी को मार दिया ठीक है सो so, रिटालियट करेंगे मुगल ऑब्बियसली अब मुगल्स के पास ऑब्वियसली सेना बड़ी वेल ऑर्गेनाइज ठीक है और लेकिन जाटों के पास क्या है उनका जो होमलैंड है उनको टेरिटरी के बारे में पता है है ना, द रिबिलियन सून स्प्रेड टू अदर डिस्ट्रिक्ट रिबिलियन वॉज इंपीरियल फोर्स लेकिन रिबिलियन को सप्रेस कर दिया गया क्योंकि मुगल आर्मी स्ट्रांग है अब 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 पर पर देखिए, को किया. ये सबसे बड़ी समस्या थी. Ab, यहां पर ना देखिए जो डिफेंड करने का पॉइंट आता है औरंगजेब को वो ये कि औरंगजेब ने तो केवल आदेश दिया कि मार दो लेकिन औरंगजेब के जो अंडर फौजदार है उसकी जो नोबिलिटी है वो मजे लेने लगी इस चीज की वो लोग मतलब अपने जो उनके अंदर के हैवान हैं उनको शांत करने लगी टॉर्चर करना जो है वो एक बहुत कॉमन ट्रेंड बन गया उस समय जो कि अकबर के समय बंद हो गया था उसने अकबर ने टॉर्चर वाली हार्श सजाएं जो है वो बंद करा दी थी ऑलमोस्ट कुछ जगहों पर हार्श सजाएं थी लेकिन हार्श सजाएं जो है वो अकबर ने बंद करा दी इनफैक्ट अकबर जो रिबेल करता था अकबर उसको हरा कर कर दे रहा था टॉर्चर करना तो दूर की बात है राइट लेकिन यहां पर टॉर्चर करके जो है वो सजा दी गई है गोकुल को भी बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा गया है और सिखों के साथ भी टॉर्चर किया है ठीक है औरंगजेब सो so, इसका मतलब ये नहीं कि औरंगजेब खुद जाकर टॉर्चर कर रहा है औरंगजेब के ऑर्डर्स पर हो रहा है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि औरंगजेब को नहीं पता औरंगजेब को पता है कि उसके ऑर्डर्स पर हो रहा है लेकिन बाद में ना जब हम इस ऑप्शन के लिए पढ़ेंगे वहां पर यह पॉइंट आएगा कि कहीं ना कहीं औरंगजेब कंट्रोल रखना चाहता था इन सब चीज़ों पर लेकिन था नहीं क्योंकि वो मजबूर था क्योंकि इसी नोबिलिटी की वजह से वो शक्ति में आया था और इसी नोबिलिटी की वजह से वो शक्ति में टिका हुआ था इसीलिए अगर ये नोबिलिटी क्रूरता कर रही थी हिंदुओं पर तो इससे उसको समस्या तो हो रही थी क्योंकि इकोनॉमिक उससे लॉस हो रहा था लेकिन उसका जो बड़ा प्लान था कि दर इस्लाम बनाना है उस डायरेक्शन में कदम जो है वो जरूर उठ रहे थे ठीक है लेकिन ये सब जो है वो बैकफायर कर गया उस पर टॉर्चर वगैरह नहीं करना चाहिए था भैया जो जनता दिल्ली के आसपास आगरा के आसपास जो कम्युनिटीज प्रोडक्शन तैयार करके दे रही है आपको राइट जो मतलब नेचुरल जिनको आप बफर की तरह यूज़ कर सकते हैं नेचुरल बैरियर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं ठीक है उनको आप अगर भड़का रहे हैं अपने ही कैपिटल के आसपास अब देखिए अकबर ने आमेर के साथ इतने अच्छे रिलेशन क्यों बनाए क्योंकि उसे पता था कि आगरा के जस्ट पड़ोस में है जयपुर अगर ये राजपूत भड़क गए तो कभी भी आगरा पर अटैक कर देंगे ठीक है बट दिस डिड नॉट क्रश द जाट्स परमानेंटली जाट्स जो है वो हारे नहीं गोकुल के बाद जो है वो फिर से राजा राम के अंडर जाटो ने फिर से रिबेल किया दे अगेन रोज इन रिवोल्ट अंडर देयर नाव लीडर राजा राम जो कि सिन सिनी से

उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए तैयार कर रहे हैं हरियाणा पीसीएस के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप लोग इन शासकों के नाम जानते होंगे ठीक है लेकिन इन तीन शासकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं गोकुल राजा राम और चूरम हु वेल्डेड द डिसऑर्गेनाइज्ड जाट्स इनटू स्ट्रांग मिलिट्री पावर एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल्स आफ्टर औरंगजेब डेथ तो और राजा चूरमान जो है वो औरंगजेब की डेथ के बाद औरंगजेब के जाने के बाद इन्होंने जो है वो रिबेल किया है

या जाट चूरमान राइट नेक्स्ट आते हैं सतनामी द सतनामी रिलीजियस सेक्ट ऑफ द हु द टेरिटरी ऑफ नारनौल एंड मेवात मेवात प्रेजेंट डे हरियाणा में Narnol और Mewat, अब देख रहे हैं दिल्ली के आसपास क्यों क्योंकि दिल्ली आगरा दिल्ली आगरा से ही ऑर्डर्स निकले हैं। और दिल्ली आगरा के आसपास ही सबसे बड़े लेवल पर यह मतलब जो रिलीजियस इंटॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो फॉलो की गई और यहीं पर ही नोबिलिटी ने सबसे ज्यादा जो है वो परसिक्यूट भी किया हिंदुओं को प्रोसिक्यूट जब मैं कह रहा हूं ना तो आप मान के चलिए कि टॉर्चर भी हुए हैं हत्याएं भी हुई हैं रेप भी हुए हैं मंदिर भी तोड़े गए द होल छबैग ठीक है इस जिसके खिलाफ जो है वो हिंदुओं ने रिबेल किया जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे है ना दारा शिको का रूल एक्सपेक्ट कर रहे थे और दारा दाराशिखों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रिलीजियसली टॉलरेंट रहेंगे ये तो ठीक है दे बिलीवड इन यूनिटी ऑफ गॉड अब सतनामी जो है वो गॉड की यूनिटी और पोलिथिज को मान रहे थे और वो हिंदू मुस्लिम को जोड़कर चल रहे थे जो कि औरंगजेब की, की दर उल इस्लाम की जो फिलोसफी उसके बिल्कुल खिलाफ जा रहा था तो सतनामियों को हटाना औरंगजेब के लिए इंपॉर्टेंट काम था दे वर ड्रेस लाइक फकीर बट मोस्ट ऑफ देम फॉलोड एग्रीकल्चर दे वर पॉपुलरली कॉल्ड मुंडिया मुंडिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो सर मुंडा के रखते थे अपना सर मतलब गंजे रहते थे फकीरों के ड्रेस में रखते रहते थे, रहते थे मतलब uh, uh, फकीरी करते थे भीख मांगते थे लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट भी थे बाय प्रोफेशन बिकॉज दे शेव्ड ऑफ देयर हेड एंड फेस इंक्लूडिंग द इनफैक्ट दे इनफैक्ट द आई ब्रोज ऑल्सो राइट फॉर्मली यूनाइटेड एंड मिलिटेंट दे नेवर हेजिटेटेड टू यूज आर्म्स टू एड द हरास्ड मेंबर्स अब देखिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सतनामीज वर नॉट आर्म्ड सतनामीज भी जो है वो वॉरिंग ग्रुप था ठीक है युद्ध करना जानते थे दे वर वेल आर्म्ड सतनामी पीजेंट वॉज किल्ड बाय मुस्लिम फुट सोल्जर द होल ट्राइब रोज इन रेबिलियन और भड़क तो थी उन्हें हिंदुओं को प्रोसिक्यूट तो किया जा ही रहा था और जैसे ही एक foot, एक मुगलिया इन्फेंट्री सोल्जर कि ने किसी एक सतनामी को मार दिया रिबिलियन खड़ा हो गया स्पार्क आ गई चिंगारी आ गई और फिर जो है वो सतनामी मुगल के खिलाफ ऑर्गेनाइज हो गए दे लुक अपॉन इट एज अली वॉर अगेंस्ट द डिस्ट्रॉयर ऑफ हिंदुजम दे ऑक्यूपाइड नारनॉल औरंगजेब वॉज फोर्स टू सेंड लार्ज आर्मी एंड इक्विप्ड विद आर्टिलरीनामी पॉवर्ड बात इन टू सबमिशन एंड दैट ट्रैक्ट ऑफ कंट्री वॉज क्लियर सो सतनामियों को मतलब आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे अपने आप को लेकिन मुगल सेना से जीत नहीं सकते उस समय औरंगजेब के रहते हुए मुगल सेना से जीतना जमीन पर एटलीस्ट जो है वो मुमकिन नहीं था किसी भी बड़ी कोई भी बड़ी शक्ति मुगल सेना से नहीं जीत सकती थी आप एक बैटल जीत जाएंगे उनसे दो बैटल जीत जाएंगे लेकिन जब वो बड़ी टुकड़ी भेज देंगे पाँच सात हज़ार सैनिकों की हाथी घोड़े आर्टलरीज वगैरह भेज देंगे तो आप नहीं जीत सकेंगे तो सतनामी जबकि वो वॉरिंग मतलब थे उनके पास हथियार थे लेकिन उस लेवल पर ट्रेंड नहीं थे वो आर्टलरीज वगैरह नहीं थी उनके पास गंज वगैरह नहीं थे जबकि सामने जो है वो मुगलिया सेना में मतलब उनके पास मस्केट्स भी थी उनके पास आर्टिलरीज भी थी उनके पास अच्छे घोड़े भी थे तो देवर समझ रहे प्रॉपर सेना थी और इस साइड एक आर्मड रिबिलियन था सतनामी स्टैंड नो चांस राइट सतनामियों को मारा गया सो यहाँ पर दूसरा हमें देखा जाटों के बाद सतनामियों ने रिबेल किया तीसरा आएगा बुंदेल बुंदेल वाला कौन सा रीजन आप है आप लोग जानते हैं ठीक है ये दिल्ली आगरा मालवा बुंदेल पड़ोस में यह बिल्कुल और ऊपर जो है वो क्या है आपका अवध अलाहाबाद है ना ठीक है सो जो बुंदेल वाला रीजन है आप लोग जानते हैं बिहार और बंगाल को गुजरात से कनेक्ट करता है या बिहार और बंगाल के रास्ते आप दक्कन जा रहे हैं तो बुंदेल बुंदेल वाले रीजन से जाते हैं तो बुंदेलखंड के लोग जो है वो क्रॉस रोड पर हैं और जो भी क्रॉस रोड पर होता है वो मतलब समझ रहे हैं आप जुझारू लोग होते हैं बुंदेल में जो है वो कलंजर का किला है और अन्य कई किले हैं जो काफी स्ट्रांग है राइट सो और बुंदेल में राजपूत हैं

छतरासल हैड सर्व द एम्पर इन डेक्कन छतरासल जो है वो दक्कन में औरंगजेब के साथ था लेकिन औरंगजेब ने शक्ति में आने के बाद छतरासल को इम्पोर्टेंट सूबा नहीं दिया औरंगजेब ने जबकि समझ रहे औरंगजेब की मजबूरी थी वो देना चा... हो सकता था कि वो देना चाहता हो क्योंकि बुंदेलों का शासक था इंपॉर्टेंट पकड़ थी मतलब समझ रहे पॉपुलर शासक था लेकिन औरंगजेब को अपनी मुस्लिम नोबिलिटी को खुश रखना था तो उसने छतरासल को जो है वो अच्छा मनसब नहीं प्रोवाइड किया He was inspired by शिवाजी औरंगजेब पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रोवोक द हिंदूज ऑफ बुंदेलखंड एंड मालवा एंड दिस गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अप आर्म्स इन डिफेंस ऑफ रिलीजन देखिए अब छत्रासल वॉन्टेड टू मेक अ नेम फॉर हिमसल छत्रासल जो है वो शिवाजी की तरह अपना मतलब नाम चाहता था कि मेरा नाम बने प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू की तरफ हिंदुजम की तरफ ठीक है अब औरंगजेब की रिलीजियस इंटॉलरेंट पॉलिसी जब शुरू होती है तो बुंदेलखंड को पता है कि हमारे मंदिर जो है वो तोड़े जाएंगे क्योंकि हमारे मंदिर जो है वो अगर इन्होंने देख लिए ठीक है देखे होंगे ऑब्वियसली तो बहुत ज़्यादा ही कुछ ऑफेंसिव है इस्लाम के लिए तो ठीक है इतने ज्यादा लिबरल मंदिर हैं बुंदेलखंड के इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाएंगे ठीक है नॉट जस्ट दैट ये मध्य प्रदेश के अन्य कई मंदिर जो हैं वो इतने लिबरल हैं कि इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है और मतलब हिंदू राजाओं ने बनवाए हैं तो ठीक है उन वो लोग फॉलो करते थे उन सब पद्धतियों को सो बुंदेलखंड दे प्रिपेड दमसेल्फ उनको पता था कि अब हमारे मंदिरों को तोड़ने की बारी है मालवा को तोड़ा जाएगा ठीक है राजस्थान में मंदिर तोड़ दिए गए दिल्ली आगरा के मंदिर तोड़ दिए गए मथुरा का मंदिर तोड़ दिया गया बनारस का मंदिर तोड़ दिया गया अब हमारी बारी है अगली राइट right? सो so, बुंदेलखंड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो छत्रासल ने अपने हाथ में उठाई इन 1671 ही वाज इलेक्टेड एज द किंग ऑफ ऑल द बुंदेलाज एंड कलेक्टेड ट्रूप्स राइट तो वन में पॉपुलर था वो उसको किंग चूज कर लिया गया ही गेंड सेवरल विक्ट्रीज ओवर द मुगल्स एंड सक्सीडेड इन कार्विंग आउट एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी इन ईस्टर्न मालवा ईस्टर्न मालवा मालवा का जो ईस्टर्न रीजन है वही आगे एक्सटेंड होता है बुंदेलखंड बन जाता है राइट सो ईस्टर्न मालवा में उसने राज अपना जो है वो एक अलग एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया ठीक है मुगल सुजरनेटी उसने छोड़ दी राइट right? नेक्स्ट आएंगे सिख अब पंजाब में कौन है सिख है रिलीजियस इंटॉलरेंट पॉलिसी सिखों का जो मैसेज है वो यूनिवर्सल पीस का था गुरु नानक साहब ने जो मैं देखिए गुरु नानक साहब ने ना रिलीजन शुरू नहीं किया रिलीजन से दुखी होकर तो गुरु नानक साहब ने सिख दी है मतलब सीख्या दी है गुरु नानक साहब जो प्रिचली क्लास है उससे दुखी तो थे उन्होंने कहा कि ये पीछली क्लास तो आम जनता को कुछ मानती नहीं है ना गुरु नानक साहब ने कहा कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सल फिलासफी दे रहा हूँ जिससे जिससे आपका धर्म नहीं बिगड़ेगा आप किसी भी धर्म में रहें लेकिन मेरी यूनिवर्सल फॉल से जुड़े राइट जो कि पीस की तरफ बोलती है ठीक है जो कहती है कि अपने आप को कनेक्ट करो यूनिवर्स के साथ तो वही फिर सिखिज्म गुरु नानक साहब से शुरू होता हुआ धीरे धीरे मिलिटराइज हुआ हरगोबिंद जी के समय और फिर फाइनली जो है वो एक प्रॉपर मिलिट्री शक्ति के रूप में स्टेब्लिश हुआ गुरु गोविंद सिंह के टाइम पर ठीक है सो आपको ये डेवलपमेंट अब मेरे ना कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत नाराज है मुझसे एक स्टूडेंट कह रहे थे कि आप इस तरह मत बोले सिख गुरुओं के बारे में ठीक है देखिए मेरा कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है राइट right? मतलब वो सिख गुरु हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन बातें बोली हैं आई हैव नो डिसरिस्पेक्ट लेकिन अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं या अगर आप सिस्टम समझना चाहते हैं तो आपको वो पॉलिटिकल और रिलीजियस फंडों से बाहर निकल के न्यूट्रल रह के आपको समझना पड़ेगा आपको उन मुद्दों से उठाना पड़ेगा अपने आप को आपको समझना पड़ेगा कि सिखों को मिलिटराइज क्यों करा राइट right? सिखों के पास कोई लैंड नहीं था जिसको वो अपना खुद का क्लेम कर सके राइट right? इसलिए उनको मतलब बाउंस होना पड़ता था लाहौर में जो शक्ति बैठी होती थी वो उनको पुश कर देती थी तो वो हिमाचल के साइड मूव कर जाते थे हिमाचल में जो हिल राजा थे वो उनको पुश कर देते थे वो प्लेन में आ जाते थे राइट सो so, धीरे धीरे उन्होंने जो है वो अपने अपना जो है वो लैंड एक्वायर किया है राइट सो so, समझ रहे हैं कहने का मतलब ये कि आपके पास एक हेडक्वार्टर होना चाहिए सो so, सिखिज्म के पास एक स्ट्रॉन्ग हेडक्वार्टर नहीं था समझ रहे सो so, वो स्ट्रॉन्ग हेडक्वार्टर तभी होगा जब आपकी जो है वो पहचान होगी राइट सो वो जो स्ट्रॉन्ग हेडक्वार्टर सिखिज्म के पास नहीं था उस वजह से सिखिज्म को या सिख जो फॉलोअर्स थे उनको कई जगह पर प्रोसिक्यूट किया गया राइट right? इसीलिए हरगोबिंद सिंह साहब ने मिलिटराइज भी किया तो खैर ये एक सिखिज्म पर एक अलग टॉपिक लूंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा हिस्ट्री ऑप्शनल में समझाऊंगा सिखिज्म की पूरी कहानी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं कि ऐसे क्यों कह दिया देखिए आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है आपको ऑफेंड होना बनता है आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो अपने आप को न्यूट्रल बनाइए समझिए छुपी हुई पॉलिटिक्स को समझिए सोशियो इकोनॉमिक मोटिव्स को ठीक है बेहतर रहेगा आपके लिए देखिए सिखों के बारे में बात करते हैं गुरु नानक साहब की बात बिल्कुल बेसिक बात है आप जो है वो सिख को धर्म मानते हैं मैं कहता हूँ गुरु नानक साहब ने धर्म सभी धर्मों से दुखी होकर शिक्षा दी उन्होंने कहा कि ये प्रीसली क्लास परेशान कर रही है आम जनता को तो मैं एक ऐसा यूनिवर्सल मैसेज देता हूं उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल मैसेज है आज भी मैं बहुत ज्यादा जो है वो मतलब प्रेज करता हूं सिख धर्म को आज जो धर्म है एज धर्म भी है अगर तो ठीक है प्रेज करता हूं क्यों क्योंकि गुरुद्वारा एक ऐसा द्वारा है जहां पर अगर मैं किसी भी कास्ट क्रीड जाति का हूं तो मेरे लिए वहां पर एंट्री है मुझे वहां पर वो खाना भी देंगे मुझे रहने की जगह भी देंगे मुझे काम भी प्रोवाइड करेंगे ठीक है सो so, ये और दुनिया में आप मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी हेल्पिंग कम्युनिटी है ये सिख कम्युनिटी ठीक है नो डाउट अबाउट दैट लेकिन फिर भी आपको पॉलिटिकल मोटिव समझने चाहिए ठीक है किस तरह एक आज अगर आप सिख हैं अगर आप पंजाब से हैं, तो आप बता सकते हैं जाति व्यवस्था सिखिज्म में भी है और गुरु नानक साहब के मैसेजा मैसेजेस आप पढ़ेंगे तो उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ शुरू की थी सिख्या और जबकि अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था सिखिज्म में भी पैर पसार गई है

ऑफेंसिव नहीं रहा होगा क्योंकि मेरे अंदर आप नहीं जज कर सकते कि मेरे अंदर कितनी रिस्पेक्ट है किस व्यक्ति के लिए किस ऐतिहासिक पर्सनैलिटी के लिए कितनी रिस्पेक्ट है आप नहीं गेस कर पाएंगे ठीक है क्योंकि मेरे जो मैं मेरा तरीका है किस व्यक्ति को कितनी रिस्पेक्ट जो है वो देनी चाहिए उसके लिए समझ रहे हैं आपको छोटे छोटे पॉइंट समझने पड़ेंगे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और यही सब समझने के लिए ही हम बैठे हैं और यही सब देखना चाहता है यूपीएससी कि आपने ये सब कॉन्सेप्ट को समझा या अभी भी आप उलझे हुए हैं ठीक है किसमें रिलीजियस मुद्दों में ठीक है खैर शुरू करते हैं सिखिज्म के बारे में पहला पॉइंट देखिएगा औरंगजेब जो पॉलिसी ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन राउस द सिख हु ब्रोक इनटू अ रेबिलियन व्हिच बिकेम एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर अब पंजाब मैंने आपको हमेशा से बोला है जिसके पास कंसोलिडेटेड पंजाब है उसके पास कंसोलिडेटेड दिल्ली है क्योंकि पंजाब मुल्तान और सिंध ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया है और ख़ास तौर पे पंजाब और मुल्तान यहाँ से ये प्रोडक्टिव एरिया भी है प्लस ये बफर की तरह भी काम कर सकता है यह डिफेंस की तरह भी काम कर सकता है अगर आपके हाथ से कंधार काबुल निकल गया तो ठीक है सो अगर आप सिखों को भड़का देंगे अगर पंजाब आप पंजाब अगर डिस्प्यूटेड हो गया तो वहाँ से रेवेन्यू निकलना अगर मुश्किल हो गया आपको तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है क्यों क्योंकि अब बहुत आसानी से हो सकते हैं और जो कि हुए देखिए पंजाब डिस्टर्ब हुआ सिखों के साथ जो मतलब persecution जो सिखों का किया गया उस वजह से पंजाब हुआ उसका असर नहीं नजर आया उसको असर 1739 में नजर आया जब नादिर शाह बहुत आसानी से पंजाब को रौनता हुआ अंदर घुस गया अगर सिखों को औरंगजेब या मुगल अपने साथ जोड़कर रखते अपने लॉयल रखते सिखों को तो मजाला को ये एंटर करता वेस्ट फ्रंटियर से ठीक है फिफ्थ गुरु अर्जुन देव ब्लेस्ड द रिबिलियस प्रिंस खुशरोव इन सिक्सटीन हंड्रेड सिक्स फॉर विच जहांगीर ऑर्डर इज एक्सक्यूशन ठीक है अब देखिए खुसरो को 1606 में छिबिलियस था खुसरो ठीक है जहांगीर ने जो है वो गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर्स दिए लाहौर में अब देखिए मुगल जो कोर्ट है उसने ऐसे बोला कि एग्जीक्यूट नहीं केवल बंदी बनाने के ऑर्डर्स दिए थे वो लाहौर का सूबेदार था वो फेनेटिक था उसने मार दिया गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट मतलब इस आप आपको उस तरह पढ़ाया गया है ठीक है समझ रहे है? वो रीजनल इतिहासकार पंजाब के रीजनल जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री आपको इस तरह पढ़ाई है ठीक है कि इसको शहीदी दी उन्होंने अपने लोगों के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए वो शहीद हुए राइट बहुत ब्रेव थे देखिए मैं उनकी ब्रेवरी पर बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ बहुत ब्रेव गुरु अर्जुन देव जी को जो टॉर्चर करके मारा गया है ना आप देखेंगे तो एक दिन दो दिन तीन दिन कई दिन जो है वो उनको धीरे धीरे टॉर्चर करके मारा गया और उन्होंने उफ नहीं करी ठीक है क्यों क्योंकि अपने लोगों के लिए जान दिए तो ऑब्वियसली उन्होंने शहीद दी है ठीक है लेकिन वो पंजाब के परस्पेक्टिव में है ना मैं जब मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं आपको राइट सो so, आपको पूरे इंडिया को करते हुए चलना पड़ेगा राइट द द फिफ्थ गुरु अर्जुन देव खुसरो और जहांगीर ने जो है वो फिर मतलब देखिए मुगलिया कोर्ट ये कहती है कि जहांगीर ने डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं दिए थे ठीक है लेकिन हमें पता है कि कहीं ना कहीं जहांगीर ने ऑर्डर्स जहांगीर के ऑर्डर्स पर ही गुरु अर्जुन देव जी को मारा गया है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द एक्ट ग्रेटली एम्बेटर अगेंस्ट द मुगल्स एंड कंपेल्ड द पीस लविंग टू टेक अप आर्म्स फॉर द सेल्फ डिफेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ सिक्स गुरु गुरु हर गोविंद अब देखिए गुरु अर्जुन देव तक ना सिख जो है वो बहुत पीस लविंग लोग थे आज भी सिख बहुत पीस लविंग लोग हैं अगर उनको प्रमोक नहीं करेंगे आप अगर आप सिखोगे कोई भी आप, आपके आस पास सिख होगा ना अगर आप उनको प्यार देंगे तो वो आपको बहुत बेशुमार प्यार देंगे राइट बदले में बहुत बेहतरीन कम्युनिटी है लेकिन सिख जो है वो धीरे धीरे पॉलिटिकली स्ट्रांग होते जा रहे थे सिखों के साथ बड़ी संख्या जुड़ती जा रही थी क्योंकि सिखों का बेसिक मैसेज था कि हम जाति व्यवस्था को खत्म करते हैं तो जो हिंदू सोसाइटी के जो जाति व्यवस्था से परेशान लोग थे वो सिखिज्म की तरफ जुड़ते जा रहे थे राइट इससे जो पहाड़ी राजा हैं ठीक है उनकी पॉलिटिकल जो मोटिव्स है वो खराब होते जा रहे थे क्यों क्योंकि पहाड़ी राजा जो है वो क्षत्रिय वर्ण के ठीक है उन्हीं की सोसाइटी के जो वैश्य और शूद्र हैं वो सिखिज्म की तरफ जुड़ते जा रहे हैं यानी कि उनका उनकी सोसाइटी पर होल्ड कमजोर होता जा रहा है और पहाड़ी राजा जो है वो मुगलों को ट्रिब्यूट देते थे तो मुगलों को मुगलों को पहाड़ी राजाओं ने बोला कि आप सिखिज्म को कंट्रोल करें राइट तो वहां पर गुरु अर्जुन देव को सबड्यू करने की कोशिश की गई अब यहां पर हरगोबिंद सिंह जी को समझ आया कि नहीं ये पहाड़ी राजा भी हमारे साथ नहीं देंगे ठीक है क्योंकि हमने जो है वो इनकी कम्युनिटी को हिला दिया है प्लस औरंगजेब या जो मुगल्स हैं वो भी हमारा साथ नहीं देंगे क्यों क्योंकि हम बड़ी पॉलिटिकल शक्ति बनते गए हमें अगर हेडक्वार्टर मिल गया हमने अगर लैंड अक्वायर कर लिया तो हम इनके लिए समस्या है तो यहां पर हर गोविंद सिंह जी ने अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कम्युनिटी को मिलिटराइज करना शुरू किया और एक मैसेज दिया कि दो तलवारें पहननी आपको मीरी और पीरी ठीक है खैर उसको सिखिज्म में जब एक्सप्लेन करूंगा तो वहां समझाऊंगा कि फर्दर क्या है और पहाड़ी राजा पहाड़ी राजा जो

आउटफिट के रूप में स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया और जो कि सबसे जो कि समस्या थी पहाड़ी राजाओं के लिए भी और मुगल्स के लिए भी पहाड़ी राजा जो है वो जहांगीर के समय से ही मुगल्स के साथ जुड़कर काम कर रहे थे राइट तब तक अगे ऐसा नहीं है कि पहाड़ी राजा दिल्ली सल्तनत के समय से ट्रीब्यूट नहीं देते दे रहे थे उन्हें भी ठीक है फिर शाह ने कंट्रोल किया उन्हें उसके बाद जो है वो फिर जहांगीर ने फाइनली कांगड़ा को कंट्रोल किया पहाड़ी राजाओं को सबड्यू किया उसने लेकिन समझ रहे पहाड़ी राजा भी अपना अपना प्रोटेक्शन करने में लगे ना उनकी सोसाइटी में समस्या खड़ी कर रहे थे सिखिज्म क्योंकि सिखिज्म का जो मैसेज है यूनिवर्सल मतलब जो इक्वालिटी इक्वालिटेरियनिज्म का जो मैसेज है वो वर्ण व्यवस्था की हरारकी को हिलाता है राइट सो so नॉट जस्ट पहाड़ी राजा लेकिन पंजाब के एरिया में भी जो हिंदू शासक या जो पुरानी एरिस्टोक्रेसी थी उनके लिए भी समस्या बनते जा रहे थे कौन एंड नॉट जस्ट हिंदू लेकिन मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी के लिए भी सिख प्रॉब्लम बनते जा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा जो कन्वर्टेड इस्लाम जिन हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया इस्लाम में वो भी सिखिज्म की तरफ जुड़ते जा रहे थे क्यों क्योंकि सिखिज्म में उनको सपोर्ट भी मिल रहा था और ख़ासतौर पर जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं गुरुद्वारों में उनको खाना मिल रहा था उनको रहने की जगह मिल रही थी उनको कर काम मिल रहा था करने को राइट सो और जो डोनेशन मिलते जा रहे थे गुरुओं को उससे उन्होंने काफी बड़ी पॉपुलेशन को मतलब अच्छे तरीके से जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ था ये एक बड़ी समस्या है समझ रहे मतलब ये एक बड़ी समस्या थी मुगल्स के लिए क्यों क्योंकि एक एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता जा रहा था जिसके पास पॉलिटिकल शक्ति है पॉपुलर सपोर्ट है और अब मिलिट्री भी है ठीक है आगे बढ़ते दिस बॉट हिम इन टू क्लैश विद मुगल्स

उसके बाद गुरु हर राय और गुरु हर किशन के समय जो है वो कौन है जहांगीर और फिर शाहजहां ठीक है जहांगीर और शाहजहां ने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की पॉलिसी इतने बड़े लेवल पर नहीं अपनाई लेकिन उनके लिए मुगल्स के लिए सिख थ्रेट बनते जा रहे थे लेकिन औरंगजेब जब शक्ति में आया तब तक सिखों ने अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर लिया था कि अब सिख जो है वो एक डेफिनेट थ्रेट थे मुगल्स के लिए और सिखों को एलिमिनेट करना मुगल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ठीक है समझ रहे हैं आप मैं कह रहा हूँ आपको न्यूट्रल रहकर सीखिए हमें किसी का साथ नहीं देना हमें मतलब समझ रहे हैं अगर आप मान लीजिए अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं यूपीएससी में जाना चाहते हैं और अगर आप केवल सिखों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इतिहास को पढ़ते जाएंगे तो आप गहराई नहीं समझ पाएंगे पूरे इस पॉलिटिकल खेल की सोशियो इकोनॉमिक खेल की और अगर आप वो गहराई नहीं समझ पाएंगे तो आप एक अच्छे कुशल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते राइट मे बी एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर बन सके लेकिन आप यूनियन मतलब यूपीएससी को ज्वाइन करने की क्षमता जो है वो नहीं रख पाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं गुरु तेग बहादुर पब्लिकली कंडेम्ड था उन्होंने औरंगजेब की एंटी हिंदू पॉलिसी को कंडेम किया और उन्होंने कश्मीरी कहा कि, कश्मीरी कहा कि तुम जो है वो कन्वर्ट मत हो कश्मीरी हिंदुओं को कहा कि तुम कन्वर्ट मत तुम मेरी सपोर्ट में हो ठीक है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूं एनकरेज द्राह्मी ऑफ कश्मीर टू रेजिस्ट दीज और टू डेथ इन नवंबर बुरी तरह टॉर्चर करके दिल्ली में एग्जीक्यूट uh, किया गया गुरु तेग बहादुर को जिसको शहीद ही कहा ऑब्वियसली शहीद हुए वो अपने लोगों के लिए वो दूसरी हिंदू कम्युनिटी के लिए ब्राह्मीण कम्युनिटी के लिए शहीद हो रहे हैं यही ब्राह्मीण कम्युनिटी जिसके वजह से परेशान होकर समझ रहे हैं यही प्रीसली कम्युनिटी जिसकी वजह से नॉट जस्ट हिंदुइजम बट आल्सो ऑफ मुस्लिम राइट दोनों की प्रीसलिंग कम्युनिटी की वजह से ही परेशान होकर एक अलग जो है वो पंथ क्रिएट करने की कोशिश करी थी गुरु नानक जी ने उसी का ही सपोर्ट के उन्हीं लोगों के सपोर्ट के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राण त्याग दिए ठीक है आहुति दे दी जिसको शहीदी कहते हैं पंजाब में राइट right? तो उन्होंने शहीदी दे दी 1675 में दिल्ली औरंगजेब ने उन्होंने बुलाया और औरंगजेब की बात का भरोसा करके गुरु तेग बहादुर चले भी गए गुरु तेग बहादुर को अरेस्ट किया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया दिल्ली में जहां उन्हें एग्जीक्यूट किया गया वहां आज आजनाग गुरुद्वारा दिल्ली में मौजूद है समय लगेगा तो जाकर लंगर जरूर खाइएगा ठीक है अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अभी नहीं कोविड के टाइम के बाद जब माहौल शांत हो जाएगा तब राइट एट द प्लेस वेयर ही वॉज एग्जीक्यूटेड नाउ स्टैंड गुरुद्वारा सिस्नाग इन दिल्ली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे बढ़ते हैं द डेथ ऑफ गुरु तेग बहादुर इंस्पायर्ड द दिक्क

फादर्स डेथ एंड ट्रांसफॉर्म दिक इन टू मिलिट्री कम्युनिटी राइट गुरु गोबिंद सिंह ने फिर खालसा पंथ की स्थापना करी और गुरु गोबिंद सिंह का जो खालसा है वो आज तक मौजूद है आपको निहंग नजर आ जाएंगे ब्लू सी कलर के ड्रेस में होते हैं राइट right? और ऑरेंज कलर के जो केसरी रंग के जो है उन्होंने कई बार झंडे लिए होते हैं और आपको दिख जाएंगे कि वो मिलिट्री आउटफिट में होते हैं क्योंकि उनके पास तलवारें चक्र और भाले वगैरह ये सब दिख जाते हैं उनके आउटफिट में ठीक है तो आज तक मौजूद हैं और वही समझ रहे हैं 1699 में स्टेब्लिश किया था 1700 में 300 साल बाद भी वो लोग उसी सेम पद्धति पर आज भी चल रहे हैं ठीक है और काफी डिवोटेड लाइफ होती है उनकी बहुत ज्यादा आगे देखते हैं औरंगजेब हु वॉज एट दिस टाइम एंगेज इन द स्ट्रगल अगेंस्ट मराठाज इन साउथ कुड नॉट टॉलरेट द एमरजेंस ऑफ सिक्स एज एन आर्म्ड कम्युनिटी सिक्सटीन में ठीक है म्ड कम्युनिटी खालसा एस्टेब्लिश हुई और औरंगजेब इस समय कहां पर है मराठों से निपट रहे हैं दक्कन में और औरंगजेब ने जो है वो एक बड़ी सेना दक्कन ये एक बड़ी समस्या थी टू फ्रंट वॉर में उलझा हुआ था औरंगजेब दक्षिण में अब एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर अगर वो होता ज्यादा अगर बिल्कुल ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर होता ना तो वो टू फ्रंट वॉर में कभी नहीं उलझता वो कभी भी मराठों के साथ सिखों को एंगेज नहीं करता अब ये बहुत बड़ी गलती थी उसकी कि उसने मराठों के साथ साथ सिखों को भी एंगेज कर लिया राइट ही ऑर्डर टू चेज दर हाउर डिफीटेड बाई दिक्स इन फर्स्ट बैटल ऑफ आनंदपुर सो आनंदपुर की पहली बैटल सत्रह सौ में सिखों ने मुगलों को हरा दिया लेकिन पहले जो है वो मुगल ने छोटी सेवा स्कर्मिश था ठीक है छोटी सेना भेजी थी दूसरी बार अब मुगल्स ने बड़ी सेना भेजी पहाड़ी राजाओं ने जो है वो मतलब गुरु गोबिंद सिंह का साथ नहीं दिया पहाड़ी राजा जुड़ गए मुगल्स के साथ क्योंकि पहाड़ी राजाओं को दिख गया कि गुरु गोबिंद सिंह हार जाएंगे हमारा फायदा मुगल्स के साथ रहने में राइट सो so, पहाड़ी राजाओं ने मुगल्स का साथ दिया और एक किले में जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी को घेर लिया गया कई दिन तक किलेबंदी चली बहुत बुरा हाल हुआ किले में खाना खत्म हो गया ठीक है जो गुरु गोबिंद सिंह के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने प्रण कर लिया कि हम जान दे देंगे सरेंडर नहीं करेंगे कोई बात नहीं फिर फाइनली मतलब गुरु की माता ने उनको कन्विंस किया कि सरेंडर कर दो अभी सरेंडर करो ठीक है फिर उसके बाद अपने आप को जो है वो मतलब री करके आना राइट right? और फिर सामना करना फिलहाल मतलब लिव टू फाइट अनदर डे वाली पॉलिसी उन्होंने अपनाई ठीक है इन द सेकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर फोर्ट इन सेवनटीन हंड्रेड फोर ही द कंबाइंड आर्मीज लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ आनंदपुर विच वॉज हिरॉइकली डिफेंडेड बाय द सिक्स बट दे वर फोर्स टू सरेंडर लास्ट में उनको सरेंडर करना पड़ा क्योंकि खाने की बहुत कमी हो गई थी जानवरों को खाना पड़ रहा था उन्हें जो उनके पास घोड़े थे उनको मारकर खाया गया फिर उसके बाद फाइनली मतलब कुछ भी नहीं था घास घूस भी खाने को नहीं बची थी जब तो फाइनली सरेंडर करना ही पड़ा उन्हें अच्छी अच्छा स्टेप था सरेंडर किया और फिर री किया उन्होंने अपने आप को गुरु गोविंद सिंह एस्केप्ड टू डेक्कन ठीक अब देखिए इस तरह के जो पॉइंट होता है ना यहां पर बच्चे कुछ बच्चे ना बहुत चिड़ जाते हैं कि सर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि उनको एस्केप करना पड़ा ऑब्वियसली एस्केप करना पड़ा मुगल्स ने उनको उनसे सरेंडर करवा दिया था सरेंडर करवाने का मतलब समझ रहे हैं आप कि पब्लिक सपोर्ट नहीं है अब पब्लिक सपोर्ट नहीं है तो अब समय है री करने का सो so, री इनफोर्स कहां से किया जाए ऐसी जगह जहां पर मुगल्स के खिलाफ लोग हों राइट सो गुरु गोबिंद सिंह जो है वो डेक्कन की तरफ आए जहां पर उनको अब मुगल्स के खिलाफ जो है वो क्योंकि देखिए जो पहले गुरुज है ना वो पंजाब से लेकर बंगाल तक और नीचे जो है वो महाराष्ट्र तक जो है वो उन्होंने यात्राएं करी हैं और सिख धर्म के साथ जो है वो सपोर्टर उन्होंने इकट्ठा करे हैं दैट दक्कन में सिख सपोर्टर मौजूद थे राइट और उन सपोर्टर्स का साथ जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी को चाहिए था और उन्हीं सपोर्टर्स के साथ के लिए गुरु गोविंद सिंह दक्कन आए राइट खालसा खालसा देखिए खाल क्या है इन अब गुरु गोबिंद सिंह जी दक्कन आए और फिर कहानी आप लोगों को अगर नहीं पता गुरु गोविंद सिंह जी की तो गुरु गोविंद सिंह जी को जो है वो मतलब छल से गुरु गोविंद सिंह जी को भी जो है वो मारने की कोशिश की गई खैर आगे वो पॉइंट मैं कभी मेंशन करूंगा इन सिक्सटीन नाइनटी नाइन ऑन द बैसाखी डे गुरु गोबिंद सिंह क्रिएटेड द खालसा अस्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट वॉज प्रिस्क्राइब फॉर द खालसा खालसा क्या है बेसिकली एक मिलिट्री पंथ बनाया गुरु गोबिंद सिंह ने मतलब ऐसे खुले में कहा कि मुझे एक इस तरह कहानी है एक टेंट था गुरु गोबिंद सिंह बाहर खड़े थे और बैसाखी के दिन जो है वो गुरु से मिलने और गुरु को डोनेशन देने जो है वो बहुत दूर दूर से पंथी आया करते थे ठीक है तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मुझे सर चाहिए किसी का राइट right? अब पूरी भीड़ थी उसमें से कोई एक व्यक्ति निकल कर आ गया गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि सर चाहिए मुझे तेरा उसने कहा गुरु गोविंद सिंह जी को कि लो सर ले लो सर हमारा क्या दिक्कत है गुरु गोविंद सिंह उसको टेंट में ले गए वहां बिठा दिया गुरु गोविंद सिंह फिर बाहर आए उन्होंने कहा कि सर चाहिए मुझे फिक्र फिर एक और सो इस तरह गुरु गोविंद सिंह ने पांच मतलब पुरुषों को जो है वो भीड़ से निकाला टेंट में ले गए और फिर वहां पर उनको अमृत चखाया गया और उनको हथियार प्रोवाइड किया गया कपड़े प्रोवाइड किए गए और वो जो है वो पहले खालसे बने है ना खालसा पंथ के सपोर्टर्स बने वो या खालसा पंथ उन्होंने अपनाया ठीक है सो so, समझ रहे इस लेवल का डेडिकेशन था मोटिवेटेड थे देखिए सिख जो हैं वो जीते क्यों मुगलों के खिलाफ क्योंकि मुग़ल आर्मी जो है वो काम कर रही थी सैलरी पे लेकिन सिख जो फॉलोअर्स हैं वो काम कर रहे थे एम्बिशन के पीछे या मतलब समझ रहे हैं वो लॉयलिटी और सपोर्ट था उनके पीछे बहुत ज़्यादा ठीक है दे वर पुट टू ऑन डिस्टिंकट ड्रेस जो कि आज भी आप देखते हैं नीले रंग का चोगा पहना होता है उन्होंने वर रिक्वायर्ड टू कीप ऑन देअर पर्सन फाइव थिंग्स पांच चीजें उनके पास होनी चाहिए कह से शुरू होते हैं जिनके नाम ठीक है लॉन्ग हेयर यानी कि केश इसीलिए सिख जो है वो बाल नहीं काटते लंबे बाल रखते हैं केश होने चाहिए कंघा होना चाहिए ठीक है मतलब बालों को साफ रखने के लिए कंगा होना चाहिए कृपाण होनी चाहिए एक तलवार होनी चाहिए उनके पास हमेशा सपोर्ट करने के लिए डिफेंस एज वेल एज ऑफेंस करने के लिए उसके अलावा कच्छा होना चाहिए या कछेरा होना चाहिए ठीक है यानी कि एक शॉर्ट जो है वो अंडर गारमेंट आप कह सकते हैं कॉटन का उसके अलावा कड़ा होना चाहिए स्टील ब्रेसलेट हाथ में पहने जाते हैं ऐसे लाइन से जो कि एक मतलब तलवारों को तलवारों से डिफेंड करने के लिए काम आते हैं ठीक है सो ये पाँच फाइव केस जो हैं वो हमेशा एक खालसे के पास होने चाहिए ठीक है अंडर हिम खालसा प्रस्यूड द पॉलिसी ऑफ फाइट मुस्लिम फैनेटिज्म विद सिख फैनेटिज्म अब औरंगजेब ने मुस्लिम फैनेटिज्म ही तो क्रिएट कर रखा था ना कि जो फैनेटिक मुस्लिम्स हैं वो प्रोसिक्यूशन करवा रहे हैं जबरदस्ती कन्वर्जन करवा रहे हैं जबरदस्ती मंदिर तोड़ रहे हैं तो अगर सामने कट्टर मुस्लिम है तो हम कट्टर सिख बन के उनका सामना करेंगे ठीक है है ना जो जो व्यक्ति जैसी पॉलिसी समझता है उससे वैसी पॉलिसी से ही निपटना पड़ता है तो वही काम जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने किया कि कट्टर मुस्लिम से निपटने के लिए कट्टर सिख तैयार कर दिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं सो so, ये थी औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी समझ आया आपको रिलीजियस पॉलिसी का बैकफायर कहां कहां किया जाट सतनामी बुंदेल और फिर सिख अब बात करते हैं औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी राजपूतों के प्रति औरंगजेब का क्या मानना था राइट इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द हिस्टोरियंस दैट वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वॉज द पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉलोड बाय औरंगजेब विद द राजपूत अब देखिए हिंदू पॉपुलेशन को दुखी कर रहा है दैट मीन्स वो राजपूतों को तो ऑटोमेटिकली दुखी कर ही रहा है लेकिन नॉट जस्ट दैट राजपूतों को आप अलग से कंसीडर भी करेंगे क्योंकि राजपूत पहली बात तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन बनकर बैठे हुए थे औरंगजेब अकबर के समय से राइट right? सो so, अगर औरंगजेब लड़ झगड़ कर शक्ति में आया है दारशिको को हटाकर शक्ति में आया है और अगर वो मुस्लिम नोबिलिटी को अपॉइंट कर रहा है दैट मीन्स वो इग्नोर कर रहा है राजपूत नोबिलिटी को और वो राजपूत नोबिलिटी जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि बड़ी पोस्ट हमें मिलेंगी और अगर राजपूतों को तुम सम्मान नहीं दे रहे हो दैट मीन्स राजपूतों के खिलाफ तुम युद्ध का पैगाम दे रहे हो और तुम राजपूतों से युद्ध लड़ोगे जीत भी जाओगे लेकिन कोलेट्रल में नुकसान तुम्हारा ही होगा क्योंकि वो वॉरिंग ट्राइब्स हैं वो लड़ती रहेंगी आपसे सेम गोश्त फॉर सिख ना सिख भी तो लड़ते ही रहे ठीक है सिखों ने भी तो कभी हथियार नहीं डाले सेम गोश्त फॉर जाट जाट भी लड़ते ही रहे ठीक है तो इससे ओवरऑल कोलेट्रल डैमेज किसे हो रहा था कोलेट्रल मतलब जब डैमेज होता है तो कोलेट्रल होता है और कोलेट्रल की वजह से मुगल्स का ही नुकसान हो रहा था ठीक है औरंगजेब और वो जो इवेंचुअली मतलब समझ रहे हैं जाटों ने साथ छोड़ दिया सिखों ने साथ छोड़ दिया मराठों से कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है बुंदेलों से कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ, और चला हुआ। तो आप, तो है, चल है, है और अब राजपूतों से भी कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है तो देख रहे हैं आप देखिए प्रोविंसेस की अगर आप प्रोविंसेस की तरह आप देखें तो पंजाब वाले रीजन में कॉन्फ्लिक्ट है ठीक है दिल्ली आगरा के आसपास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बुंदेलखंड में कॉन्फ्लिक्ट है और अब राजपूतों से कॉन्फ्लिक्ट राजपूत कहाँ पर है राजपूताना और मालवा में जो है वो कौन है राजपूत है नीचे मराठों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ठीक है यहां पर बंगाल और बिहार सेफ है अभी यहां बंगाल और बिहार में कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा हमने लेकिन यह पूरा रीजन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिडन है अब आप, आप देख ही रहे हैं कि एक एम्पायर में इतने बड़े एंपायर में अगर मेजोरिटी ऑफ रीजन में कॉन्फ्लिक्ट ही चल युद्ध ही चलता रहे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और अगर औरंगजेब जाएगा और औरंगजेब के जाने के बाद कोई कुशल शासक नहीं आ सका जो इन सबको जोड़ कर रखे तो एम्पायर तो बिखर ही जाएगा ना जो कि हुआ भी औरंगजेब के जाने के बाद कुशल शासक नहीं आए और ये जो सारे भी सारा का सारा जो आ, मतलब रिबेल जो एरिया था जहां पर रिबेलियंस चल रहे थे जहां पर मतलब क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उन लोगों ने अपने आप को आजाद कर दिया ठीक है उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं मानते हुए मुगल बैनर से उतार लिए उन्होंने अपने आप को औरंगजेब राजपूत पॉलिसी लेड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स पहला तो देखिए अब देखिए अकबर की राजपूत पॉलिसी आपको पता होना चाहिए अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या थी या तो वॉर कर लो या तो सबमिट हो जाओ अगर सबमिट करते हो तो तुम्हें मनसबदार बना दूंगा अगर वॉर करते हो हारोगे तो भी तुम्हें मनसबदार बना दूंगा तो दोनों साइड से मतलब अगर सबमिट करते हो तो हो सकता है कि बेटर मनसब दूं हारने के बाद जो है वो बेटर मनसब की गारंटी नहीं है लेकिन फिर भी सम्मान तुम्हें पूरा दिया जाएगा ये अकबर की राजपूत पॉलिसी थी जिससे दोनों साइड से जीत रहा था वो अब अगर सबमिट करा लेता है तो भी साथ मिल जा रहा है राजपूतों का और अगर हरा देता है तो भी राजपूतों का साथ मिल जा रहा है उसे ठीक है औरंगजेब वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट एंड ऑन एंड वन और अदर प्रिटेक्ट ही वॉन्टेड टू अनेक्स देयर किंगडम देखिए अब अकबर ने टॉलरेट किया राजपूतों को टॉलरेट क्या किया अकबर को पता था कि राजपूतों को जोड़कर रखना जरूरी है और अकबर ने मेवाड़ तक को तो इतनी छूट दी थी कि तुम भैया अपना सिस्टम खुद चलाओ बस हमें गुजरने का रास्ता दे दो जो कि मेवाड़ ने माना नहीं जो बाद में जहांगीर शाहजहाँ के समय सॉर्ट आउट हो गया था मामला लेकिन राजपूतों को क्या प्रोवाइड किया था राजपूत पॉलिसी के तहत जो है वो राजपूतों को प्रोविंशियल अटोनमी दी गई थी कि तुम्हारा प्रोविंस जो है वो अटॉनमी में चलेगा तुम अपना सिस्टम खुद चलाओ लेकिन औरंगज़ेब क्या चाहता था दरुल इस्लाम एस्टेब्लिश करना इसीलिए पूरा दरुल इस्लाम का मतलब यह है कि सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रलाइज होगा सो दैट अब किंगडम्स को राजपूती किंगडम्स को जो है वो औरंगजेब जीतना चाहता था ठीक है अब यहां पर ना औरंगजेब की कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई औरंगजेब को औरंगजेब ने ओवर कॉन्फिडेंटली जो है वो फैसले ले लिए कुछ उसको लगा कि मैं संभाल लूंगा नहीं संभाल सकता था वो जब अकबर नहीं कर सका राइट right? तो so औरंगजेब कैसे कर लेगा है ना जैसे ये स्टेटमेंट कहना गलत है सन, नहीं कहना चाहिए मतलब लेकिन पॉइंट ये है कि जब अकबर जैसा बुद्धिमान इंसान ये बात समझ गया था कि राजपूतों से लड़ने का कोई फायदा नहीं है वो तो लड़ते ही रहेंगे ठीक है उनका काम है लड़ना औरंगजेब को ये बात समझ क्यों नहीं आई क्योंकि औरंगजेब राजपूतों के साथ रहा नहीं था अकबर राजपूतों के साथ रहा था उसको पता था कि ये लोग सम्मान के लिए जान दे देंगे इन, इनके लिए खेल है स्पोर्ट है राइट जान देना औरंगजेब रिगार्डेड द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ राजपूत एज अ स्टंबलिंग ब्लॉक इन एग्जीक्यूटिंग हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन ऑफ द हिंदूज अब देखिए औरंगजेब जो है वो हिंदूज को प्रोसिक्यूट करना चाहता था रिलीजियसली दरुल इस्लाम एस्टेबलिश करना चाहता था कन्वर्जन कराना चाहता था लेकिन राजपूत एक बहुत बड़ी समस्या थे क्यों क्योंकि राजपूत जो है वो हिंदू कम्युनिटी को रिप्रजेंट कर रहे थे मुगल कोर्ट्स में राइट और राजपूत जो है वो कह लीजिए कि राजपूत जो है वो हिंदुओं के चैम्पियंस थे ठीक है और राजपूतों को अगर वो हटा देता है रास्ते से तो हिंदुओं को सप्रेस करना आसान हो जाएगा और ज्यादा ठीक है और जब तक राजपूत रहेंगे तब तक हिंदुओं को सप्रेस नहीं कर सकेगा वो क्योंकि जहां भी वो हिंदुओं को सप्रेस करने जाएगा वहां पर राजपूत खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए औरंगजेब वॉन्टेड इफ अजीत सिंह सन ऑफ राजा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड वॉज कन्वर्टेड टू इस्लाम ही वुड बी रिकोगनाइज एज रूलर ऑफ मारवाड अब ये देखिए बहुत लॉन्ग शॉर्ट खेल रहा है मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को कह रहा है कि तुम कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में ये वही मेवाड़ मारवाड़ है जिसके साथ रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी अकबर जहांगीर शाहजहां ने अपनाई यहां पर औरंगजेब कह रहा है कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ ठीक है ताकि मैं कहलाऊ तुम्हारा शासक यही मतलब है ना दरुल इस्लाम का सेंट्रलाइज अथॉरिटी ठीक है अब ये बात तो राजपूतों को तो समझ ही नहीं आई गई है कि ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम है ना इतने में तो तलवारें खींच लेते हैं वो लोग

इज अजीत सिंह एज ए इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मारवाड ठीक है मुगल सेना आई उन्होंने जोधपुर का किला तहस कई मंदिर तोड़े अब मुगल सेना के पास सक्षम तो थे मुगल सेना बड़ी थी ज्यादा शक्ति थी उसके पास तो वो समझ रहे हैं एक बार सब ड्यू कर लेंगे लेकिन राजपूत जो है वो वापिस बढ़ते रहेंगे राइट वो शांत नहीं बैठेंगे दुर्गा आए उन्होंने फिर से कैप्चर किया फिर औरंगजेब की तब तक मृत्यु भी हो गई औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर मारवाड के शासक अजीत सिंह को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया इंडिपेंडेंट रूलर राइट मेवाड़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 5 इयर्स 1676 81 मेजर रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट वाज दैट औरंगजेब आस्क राज सिंह द रूलर ऑफ मेवाड़ टू पे जजिया एंड एंड द प्रिंस अकबर सन ऑफ औरंगजेब deserted द मुगल आर्मी एंड जॉइंड हैंड्स विद राजपूत एज ही वाज ऑफ लिबरल व्यूज एंड डाउटेड दक्सेस ऑफ पॉलिसी ऑफ रिलीजियसम ऑफ इज फादर अब देखिए मेवाड़ के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट मारवाड को तो ये बोला कि कन्वर्ट हो जाओ है ना अब मेवाड़ है समस्या की जड़ मेवाड़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट बाबर का भी था मेवाड़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुमायूं का भी अकबर का भी राइट right? मेवाड़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिर जहांगीर के समय रिजॉल्व होना शुरू हुआ ठीक है सो so, औरंगजेब के बेटे अकबर सेकेंड अब अकबर ने जाकर जो है वो मेवाड़ के शासक के पास शरण ली और उसने कहा कि ये रिलीजियस और अकबर जो है वो मतलब उसका नाम भी अकबर था और वो चल भी अकबर की पॉलिसीज पर आ रहा था तो रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी अपनाना चाह रहा था वो ठीक है सो प्रिंस अकबर जाकर राजा राज सिंह के पास उसने शरण ली मेवाड़ के और राजपूतों का तो ये चलन था कि जो मदद मांगने आएगा उसको मदद दी जाएगी उसको अपने प्राण देकर उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा सो so, प्रोटेक्शन दी गई अकबर की अब औरंगजेब ने कहा कि दो काम है पहले तो जजिया दो ठीक है बहुत समय से तुम जजिया नहीं दे रहे हो दूसरा काम अकबर तुम्हारे पास है उसको समर्पित करो नहीं उसको सरेंडर करवाओ मेरे मेरे पास ठीक है तो राजा राज सिंह ने मना किया कि ना ही हम जजिया देंगे और ना ही हमारे पास जो गेस्ट है हम इसका जो है वो समर्पित करेंगे क्योंकि गेस्ट जो है वो हमारे लिए भगवान समान है राइट अब अकबर क्यों गया था औरंगजेब का पुत्र अकबर जो है वो मेवाड़ क्यों गया था क्योंकि अकबर को ऐसा लगा कि जो रिलीजियस इंटॉलरेंट जो पॉलिसी है ना ये खा जाएगी औरंगजेब को सो so आज नहीं तो कल औरंगजेब जो है वो गिर जाएगा राइट मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी या उसका एम्पायर जो है वो गिर जाएगा और जब उसका एम्पायर गिरेगा तो शक्ति में मैं बैठूंगा मेवाड़ की मदद से क्योंकि मेवाड़ जो है वो राजपूतों के चैंपियन और मेवाड़ की मदद से मैं बैठूंगा मैं बन के बैठूंगा जो है वो बादशाह और मैं मेवाड़ के शासक को अच्छा मतलब अच्छा मंत्रालय अच्छा दीवान बना दूंगा इनको या अच्छा मनसब दे दूंगा ठीक है तो ये एक जो है वो मेवाड़ और अकबर के बीच में बना हुआ था इनफैक्ट अकबर ने अपने आप को सुल्तान या बादशाह सुल्तान तो नहीं लेकिन यादशाह या बादशाह जो है वो प्रोक्लेम भी कर दिया औरंगजेब भड़क गया भाई ऐसे कैसे मेरे जीते जी कैसे प्रोक्लेम कर दिया तुमने औरंगजेब आया अब औरंगजेब ने जो है वो महाराणा राज सिंह एंड अजीत सिंह अश्योर्ड हिम दैट इफ ही वुड डिक्लेयर हिमसेल्फ एन एम्पर कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मारवाड एंड मेवाड़ वुर्ट मारवाड और मेवाड दोनों कह रहे हैं, को, कि तुम अपने आप को बादशाह कर दो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और हटा देंगे हम शक्ति को औरंगजेब से औरंगजेब को हम शक्ति से हटा देंगे प्रिंस अकबर डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्पर ऑफ द मुगल द औरंगजेब हेड वेरी स्मॉल फोर्स एट हिज कमांड एट द टाइम एज ही वॉज अवे फ्रॉम द कैपिटल सो ही थॉट ऑफ अ प्लान of sowing dissension among the Rajputs, he was successful in his effort. Prince Akbar was defeated and he fled away. Aurangzeb and the new ruler of Mewar, Raja Jai Singh, signed a peace treaty known as Treaty of Udaipur. अब देखिए, अब Aurangzeb ने ऐसा नहीं है कि वह सभी Rajputों के खिलाफ था. Jai Singh को जो है वो उसने अपना supporter बना के रखा हुआ था क्योंकि Aurangzeb क्योंकि मैंने आपको कहा ना कहीं ना कहीं कुशल administrator के आपको

उसी सेम पॉलिसी अकबर की वही सेम पॉलिसी जो है वो औरंगजेब ने फॉलो करी राजपूतों से लड़ने के लिए राजपूतों को ही भेजा और मेवाड़ में राजा राज सिंह को हटाकर राजा जय सिंह को मेवाड़ का शासक एस्टेब्लिश किया ठीक है मारवाड़ और मेवाड़ की कंबाइंड फोर्सेस की हार हुई ठीक है क्यों क्योंकि राजपूतों को ही राजपूतों से लड़वाया औरंगजेब ने और अकबर को जो है वो मतलब भागना पड़ा ठीक है

और उसका लड़का जो भीम सिंह है उसको राजा का टाइटल दिया गया चित्तौड़ फोर्ट को बोला गया कि चित्तौड़ फोर्ट जो है वो रिपेयर नहीं होगा चित्तौड़ फोर्ट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ राजपूत चित्तौड़ फोर्ट को रिपेयर नहीं किया जाएगा जो कि काफी समय तक फिर रिपेयर नहीं हुआ राइट सो यहां पर इस तरह उसने मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को निपटाया आपस में ठीक है और राजा जय सिंह को अपने साथ कर लिया और यही राजा जय सिंह है जो काफी लंबे समय तक औरंगजेब के फिर वफादार भी बने रहे नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने आपको बताया अकबर वाज नॉट सक्सेसफुल ऑन अकाउंट ऑफ द गुरीला वॉरफेयर टैक्टिक्स ऑफ द बुंदेला राजपूत अकबर बुंदेलों से नहीं जीत सका था क्यों क्योंकि बुंदेला राजपूत की जो गुरीला वॉरफेयर जो टैक्टिक्स हैं उससे अकबर जो है वो नहीं जीत सकता था क्यों क्योंकि अकबर के पास सेना थी बड़ी लंबी चौड़ी सेना है राइट खुले मैदानों में लड़ने के आदि और बुंदेलखंड के जो संकरी घाटियों वाले रीजन है वहां पर चल रहा है गुरीला वॉरफेयर सो अकबर नहीं जीत पा रहा था ये वही अकबर

अरेस्ट नहीं होने दिया ये है देखिए यह है ईस्टर्न मालवा वाला रीजन और बुंदेलखंड जिसमें आप देख रहे हैं झांसी जटीपुर खजुराहो, पन्ना कलंजर महोबा ये इंपॉर्टेंट शहर जो है वो बन रहे हैं किसके ये राजा छत्रासल के समय का आप मान लीजिए राजा छत्रासल और फिर उसके बाद चंपत राय आएंगे छत्रासल फिर बाद में आएंगे पहले चंपत राय चंपत राय के पुत्र हैं छत्रासल छतरासल सन ऑफ चंपत राय हु टाइम ऑफ फादर्स डेड डिफाइड द मुगल्स एंड वॉन सेवरल विक्ट्रीज अगेंस्ट द अब देखिए ग्यारह साल की उम्र के बावजूद वो जीते ऐसा नहीं है ठीक है रीजेंट रहा होगा रीजेंट की मदद से वो जीते लेकिन इतिहास में किस तरह डॉक्यूमेंट है राजा के नाम पर डॉक्यूमेंट होता है ना रीजेंट के नाम पर थोड़ा डॉक्यूमेंट होता है अकबर की हेमू के खिलाफ जीत है लेकिन लड़ा तो बैवरम खान था ना ठीक है अल्टीमेटली ही वॉज एबल टू सेटअप एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन ईस्टर्न मालवाइड इन सेवनटीन थर्टी वन विद कम्प्लीट एफेसमेंट ऑफ मुगल रूल इन बुंदेलखंड सो छत्राचल ने बुंदेलखंड से मुगल्स को खत्म किया तो ये आप मान के चलिए कि डिक्लाइन ऑफ मुगल की कहानी मुगल्स से अब उन्हीं के ही राज्य के बीच बीच से कैसे एरिया छीनने शुरू हो जाते हैं मराठों ने अपना अलग कर लिया सिखों ने अपना अलग बुंदेलखंड अलग राजपूत अलग हो गए ठीक है अवध अलग हो रहा है बंगाल अलग हो रहा है दिल्ली फिर अंत में आप यह मान के चलिए कि पुरानी दिल्ली में ही रह गई थी ठीक है दिल्ली के राजा के पास कि वो लाल किला ही रह गया था ठीक है द पीपल ऑफ बुंदेलखंड एंड मालवा हेल्ड छतरासल एज द चैंपियन ऑफ हिंदू फेथ एंड राजपूत ऑनर छतरासल को सपोर्ट था इसलिए उसको किंग चूज किया गया राइट right. कंसिक्वेंसिस देखते हैं औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी के कंसिक्वेंसिस क्या रहे सबसे बड़ा कंसिक्वेंस तो ये कि उन राजपूतों का इस्तेमाल करके वो अगर वो राजपूतों को सिखों से लड़वाता मान लीजिए अगर सिख रिबेल कर ही रहे थे तो राजपूतों को अगर वो सिखों से लड़वाता और सिखों को रिबेल करने ही क्यों दिया अगर वो राजपूतों और सिखों को जोड़ कर रखता और उन दोनों कम्युनिटीज़ को अगर वो कंधार में अपॉइंट करता कि जाओ तुम समरकंद जीत कर आओ तो वो लोग समरकंद लो जीत कर आ जाते उसके लिए जरूर जीत कर आते इतने कुशल दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो इतनी कुशल थी ठीक है सो अगर मतलब इतना दूरदृष्टि होती उसके अंदर तो राजपूतों और सिखों को दोनों को जोड़कर वो समरकंद या कंधार में अपॉइंट करता है या काबुल में अपॉइंट करता है कि समरकंद वाला एरिया जो है वो जीत लो द राजपूत पॉलिसी प्रूव्ड वेरी डिजास्ट्रस फॉर मुगल्स एज इट मेड राजपूत हॉस्टाइल एंड डिप्राइब्ड औरंगजेब ऑफ द लॉयलिटी ऑफ ब्रेव राजपूत अब राजपूत अगर नहीं है औरंगजेब के साथ तो राजस्थान गया मालवा गया बुंदेलखंड गया ये तीन बड़े रीजन तो चले गए ना अब राजपूत राजपूताना चला गया मालवा चला गया, अब वो भरोसा नहीं रख सकता कि दिल्ली पर अगर होता है तो वेल इन कॉन्फ्लिक्ट अब मैंने बोला ना राजपूत तो लड़ते ही जाएंगे उनका काम है लड़ना और आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचना है ना आपको अपने रिसोर्सेज को कहां पर दोहन करना है ठीक है तो उसने गलत जगहों पर रिसोर्सेज लगा दिए राजपूतों से लड़ने में ज ओन फेमस जनरल अब डैमेज होता है तो कोलेट्रल होता है राजपूत सेना मर रही थी तो इस साइड मुगल सेना भी तो मर रही थी और जब सेनाएं लड़ रही हैं आपस में तो इंपॉर्टेंट जनरल्स की भी मृत्यु हो रही है ठीक है ही फेल टू सब ड्यू दुर्गा दास ऑफ मारवाड ही हैड टू एंटर इन टू ट्रिटी विद मेरवाड छत्रासल ऑफ बुंदेलखंड डिफाइड द मुगल्स प्रिस्टीज ऑफ मुगल एम्पायर सफर्ड ना ही दुर्गा दास को कंट्रोल कर सका मेवाड़ के साथ जय सिंह को अपॉइंट करना पड़ा मेवाड़ पे वहां पर ट्रिटी करनी पड़ी बुंदेलखंड तो आजादी हो गया छत्रासल के अंदर मारवाड़ यानी राजपूताना बुंदेलखंड वाला रीजन जो है वो हाथ से निकल गया मालवा बचा अब देखते हैं मालवा भी धीरे धीरे कैसे हाथ से निकलेगा औरंगजेब ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट कुड नॉट प्रोवाइड गुड एडमिनिस्ट्रेशन नो डाउट द फॉल्टी पॉलिसी ऑफ औरंगजेब द राजपूत वॉज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द डिसंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर ऑब्वियसली ठीक है अब राजपूतों को अगर वो नहीं संभाल पा रहा है देखिए पंजाब में सिखों ने रिबेल किया हुआ है लेकिन पंजाब अभी भी फौजदार मतलब पंजाब अभी भी लाहौर के सूबेदार के कंट्रोल में है ठीक है दिल्ली है यहां पर नीचे आगरा है इधर जो है वो राजपुताना पुतान। राजपुताना में मेवाड़ और मारवाड़ ठीक है यहाँ मालवा और इधर बुंदेलखंड बुंदेलखंड हाथ से गया मेवाड़ मारवाड़ जो है वो मतलब वो कंट्रोल छूट गया मुगल्स का क्यों क्योंकि एक ट्रीटी कर एक अनिजीसी ट्रीटी करनी पड़ी अब बीच में बचा मालवा मालवा जो है वो बहादुर शाह के समय चला जाएगा तो so यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी बुंदेलखंड हाथ से निकला मेवाड़ मारवाड हाथ से निकला मालवा हाथ से निकल जाएगा फिर पंजाब हाथ से निकल जाएगा फिर इधर अवध हाथ से निकल जाएगा लाइन से फिर डिक्लाइन शुरू हो गया है ना एक एक करके प्रोविंस दर प्रोविंस जो है वो हाथ से निकलते चले जाएंगे फिर मुगल्स के आगे बढ़ अच्छा आज सेशन हमारा यहाँ खत्म हो गया राइट So, आज हमने क्या देखा दिस वॉज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब जिसमें हमने औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी और राजपूत पॉलिसी को समझा और हमने यही जाना है कि दोनों की वजह से हुआ क्या डिजास्टर दोनों की वजह से क्या हुआ अल्टीमेटली डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर ठीक है सो so, यहां पर औरंगजेब की ये पॉलिसी आ गई अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन आएगा औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी मराठों के लिए उसका क्या रिलेशन रहा और शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे राइट right? सो so, आज के सेशन की आपको पीडीएफ कहां से मिलेगी चौहान अंडर स्कोर सर अंडर स्कोर हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है उसके अलावा अगर आप दस परसेंट का डिस्काउंट चाहते हैं तो कोई भी कोर्स अगर आप सब्सक्राइब करें अकेडमी का तो कोड यूज करें मेरा दैट इज चौहान अंडर स्कोर सर अंडर स्कोर हिस्ट्री राइट right? इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है राइट उसके अलावा स्पेशल क्लासेज ध्यान देंगे स्पेशल क्लासेस में ठीक है स्पेशल क्लासेस में लाइव आए लाइव जुड़ें और अपने डाउट्स जो हैं वो मेरे साथ लाइव क्लियर करें सो so, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर हैव नाइस डे